welcome to an academy myself pritesh saklecha i have 6 plus year gate teaching experience and i mentored more than 35000 students for the gate examination in my career the most subject that are taken by me is theory of computation compiler design computer organization dbms and operating system in this video this video I discuss kareinge, theory of computation सॉरी डाय डी बी एम एस ठीक है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डी बी एम एस से हम यहाँ पर देखने वाले हैं ट्रांजेक्शन एंड सीरियलाइजेबिलिटी ठीक है ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में हम देख चुके हैं एस क्यू एल क्या होता है रिलेशनल अलजेबरा क्या होता है ठीक है जितने भी टॉपिक्स हम अभी तक डी बी एम एस में कवर कर चुके हैं ठीक है नाउ द दिस सेशन इज ऑन द ट्रांजेक्शन एंड द सीरियलाइजेबिलिटी गॉट डेट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग अन एकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए जस्ट इंस्टॉल दिस ऐप ठीक है

बेनिफिट्स क्या हैं आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा आपका लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे आपके अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं वंस यू सब्सक्राइब यू गेट एक्सेस टू ऑल अवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज दैट यू कैन वॉच फ्रॉम द एनी डिवाइस ठीक है आप किसी भी अपने डिवाइस से आप इजीली क्या कर सकते हैं उसको वॉच कर सकते हैं तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द सब्सक्रिप्शन ठीक है आपका अनलिमिटेड एक्सेस आप यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है अब सब्सक्रिप्शन की, so 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 की अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या एडवांटेज है आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का तो देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको पर्सनल कोच मिलेगा दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज देखिए व्हाट इज द पर्सनल कोच पर्सनल कोच का मतलब क्या है आपका पर्सनल कोच यानी वन टू वन कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपका कोई भी क्वेरी है ठीक है आपको किसी भी एग्जाम रिलेटेड डाउट है या किसी भी टाइप का डाउट है तो आपको एक पर्सनल कोच असाइन किया जाएगा ठीक है सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस पर्सनल कोच का बेनिफिट क्या है आपका कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपने जितने भी क्वेरीज है आप उस पर्टिकुलर पर्सन से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दैट्स वाई हर एक स्टूडेंट को एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है इसके साथ साथ स्टडी ट्रैकर होगा मेन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस होगी और जितने भी बेनिफिट प्लस पे हैं आपके वो सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन पे तो प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अगर हम बात करें तो जो बेनिफिट्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है जितना भी हमने अभी बात किया है ठीक प्लस सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इन दिस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन आपकी डेली लाइव क्लासेस होगी जो हमने अभी डिस्कस की ठीक है डेली लाइव क्लासेस मिलेगा आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं आप और जितने भी स्ट्रक्चर्ड कोर्स है आपको वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है ऑल कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ योअर एग्जाम सिलेबस ठीक है सो जो आपको हेल्प करता है आपकी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए सो दैट इज द गिव टू यू प्लस सब्सक्रिप्शन ठीक है यू कैन लर्न विद द बेस्ट एजुकेटर बेस्ट एजुकेटर से आप लर्न कर सकते हैं ठीक है एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको देखिए सब्सक्रिप्शन के लिए प्रोसीजर क्या है आपका यू कैन गो टू द सी एस एन आई टी सेक्शन ठीक है सी एस आई टी सेक्शन पर आप जाएंगे उस पर आप यहाँ पर क्या करेंगे दैट वंस यू गो टू द दैट सेक्शन ठीक है जहाँ पर आपको टेन कोर्सेज कंडक्ट हो रहे हैं वो देखने को मिलेंगे हाँ इसके बाद अगर हम बात करें सो so आप यू कैन सेलेक्ट आइदर प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक दोनों में से जो भी आपको शूट करता है वो सब्सक्रिप्शन प्लान आप यहाँ पर ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर मिलता है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको देखने को मिलेगी तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्लस के जितने एडवांटेजेस है ये तो सारे मिल नहीं है आपको इसके साथ साथ आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा पर्सनलाइजेशन एनालिसिस होगा स्टडी प्लानर होगा और प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो यू कैन सेलेक्ट आई प्लस और आइकॉनिक जो आपको शूट करता है आप वहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं प्लस प्लान की अगर हम बात करें तो ट्वेल मंथ सब्सक्रिप्शन देखिए देर आर वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन ठीक है अगर आप ट्वेल्व मंथ सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं तो आपकी फी है दैट इस थर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी ठीक है इफ़ यू यूज़ माई कोड प्रिथेस्ट दैन यू गेट इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट एंड द फी विल बिकम ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ठीक है सो दैट इज नॉट अ बिग अमाउंट ठीक है यू कैन ईजिली सब्सक्राइब दिस टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन बिकॉज इसमें आपको बहुत सारे एडवांटेजेस है ठीक है आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं ठीक है प्लस आपको जितनी भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन है आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर वे में आपको सारा प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है सो दैट इज द बेस्ट पार्ट एंड इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो देखिए आप ट्वेल्व मंथ का अगर लेते हैं प्लान तो आपकी फ़ी है दैट इज फिफ्टी थाउजेंड टू फिफ्टी ठीक है एंड इफ यू यूज माई कोड प्रतिष्ठेन देन यू गेट इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट एन द फी विल become 45000 to 5 so that is the biggest advantage for you theek hai so you can that choose koi bhi aap ek le sakte theek hai now dbms ki agar hum baat kare to hum yahan par discuss karenge aaj transaction and serializability theek hai transaction kya hota hai serializability kya hoti hai theek hai jis pe question kis type se aata hai wo hum aaj discuss karne wale hain तो देखिए ट्रांजेक्शन क्या है आपका ट्रांजेक्शन इज अट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेस एंड पॉसिबली अपडेट वेरियस डेटा आइटम ठीक है इट इज़ अट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ठीक है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया तो आप हम क्या बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूशन हो रहा है आपका किसी प्रोग्राम का ठीक है जिसमें जितने पॉसिबल हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे और उसमें आपके वेरियस डेटा आइटम्स क्या होंगे अपडेट होंगे सो दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन अब नॉर्मल हम यहाँ पर अगर सिंपल यहाँ पर इसका स्टेट चार्ट देखते हैं ट्रांजेक्शन का तो फर्स्ट स्टेट हम जो बोलते हैं दैट इज द एक्टिव स्टेट ऑफ द ट्रांजेक्शन यानी जब ट्रांजेक्शन आपका बिगिन हुआ ठीक है तो आप या तो रीड या राइट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ठीक है सो उस केस में हम क्या बोलेंगे दैट इज पार्शली कमिटेड यानी कि आपका एग्जीक्यूशन में आपका जो प्रोग्राम है जो ट्रांजेक्शन the है दैट इज इन एग्जीक्यूशन ठीक है अब देखिए वॉट एवर द रीजन देर आर वेरियस रीजन किसी रीजन से मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन क्या हो गया फेल्ड हो गया ठीक है इन एक्टिव स्टेट से डायरेक्टली फेलियर स्टेट में जा सकता है या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन भी वो फेल हो सकता है वॉट एवर देर आर वेरियस रीजन ठीक है सो अगर वो फेल हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि दैट रोल बैक या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं एबॉर्ड करके टर्मिनेट कर देंगे या फिर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया तो परमानेंट चेंजेस के लिए हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे कमिट स्टेट पे जाएंगे यानी कमिटेड यानी कि वो परमानेंटली डेटाबेस में क्या हो चुका है अपडेट हो चुका है व्हेन यू परफॉर्म द कमिटेड दैट मींस द परमानेंटली

और डज नॉट हैप्पन एट ऑल यानी कि या तो पूरा ट्रांजेक्शन आपका क्या हो एग्जीक्यूट हो कम्प्लीटली या फिर आपका ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मान लीजिए कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे या आपने कोई भी टास्क परफॉर्म किया परचेसिंग कर रहे हैं वॉट एवर तो हम क्या बोलते हैं कि या तो आपका पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा या फिर नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि आपने अमाउंट डेबिट हो गया लेकिन आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिला या फिर आपका अमाउंट डेबिट हो गया और उधर क्रेडिट नहीं हुआ जहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हैं सो so, एटोमिसिटी का मतलब ये कि हर एक इंस्ट्रक्शन हर एक स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन में हम क्या बोल रहे हैं कि दैट शुड बी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट और नॉट एट ऑल ठीक है तो दैट इज द एटोमिसिटी ना कंसिस्टेंसी अब देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है ट्रांजेक्शन शुड बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट यानी कि इट शुड मूव फ्रॉम वन कंसिस्टेंट स्टेट टू अनादर कंसिस्टेंट स्टेट जैसे हमने स्टेट चार्ट देखा तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक वैलिड स्टेट से दूसरी वैलिड स्टेट पर जाना चाहिए ठीक है कंसिस्टेंसी मतलब आप ये नहीं होना चाहिए आपका कि मान लीजिए आपने एक अकाउंट में से कुछ अमाउंट डेबिट किया ठीक है लाइक ए में से फिफ्टी माइनस किया और आप चाहते हैं कि बी में क्या हो क्रेडिट हो ठीक है तो ए से बी में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट शुड बी देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब है कि बिफोर एंड आफ्टर द एग्जीक्यू वैल्यू थी आपकी दैट इज द फाइव हंड्रेड ठीक है और आपने बोल दिया कि इसमें से आपने फिफ्टी रुपीज़ डेबिट किए ठीक है थीके? तो कितना हुआ यहाँ पे दैट इज़ फोर फिफ्टी और बी का इनिशियल अमाउंट था दैट इज़ फाइव हंड्रेड ठीक है तो ए प्लस बी का टोटल सम कितना है आपका दैट इज वन थाउजेंड ठीक है बिफोर ट्रांजेक्शन बिफोर ट्रांजेक्शन आफ्टर ट्रांजेक्शन हम क्या बोल रहे हैं कि आपने बी में फिफ्टी एड किया ठीक है सो इट विल फाइव फिफ्टी ना आफ्टर शन ए का अमाउंट फोर फिफ्टी ए और बी का फाइव फिफ्टी दोनों को अगर एड दैट इज वन कि बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजेक्शन द अमाउंट शुड बी कंसिस्टेंट ठीक है सम क्या होना चाहिए आपका कंसिस्टेंट होना चाहिए थाउजेंड होना चाहिए नाउ सीरियल शेड्यूल सीरियल शेड्यूल की अगर हम बात करें यहां पर सो देखिए सीरियल शेड्यूल में हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दिस केस देर आर टू टाइप ऑफ शेड्यूल दो टाइप के शेड्यूल होते हैं आपके द फर्स्ट वन इज सीरियल एंड द सेकेंड वन इज कॉन देखिए ठीक शेड्यूल क्या होता है सबसे पहले तो हम स्टम्प को कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल शेड्यूल का मतलब होता है आपका कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर ठीक है हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हम एग्जीक्यूट करते हैं ठीक है यानी कि com, स, बोल सकते हैं हम कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन ठीक है इस कॉल्ड्यूल आपका क्या होता है शेड्यूल मतलब आप उस ट्रांजेक्शन को किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर रहे हैं ठीक है आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक शेड्यूल टाइम में आपके एग्जीक्यूट होने वाले हैं तो सीरियल शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने बोला कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपने फाइव शेड्यूल ट्रांजेक्शन को शेड्यूल किया है ठीक है सो सीरियल का मतलब होता है वन बाय वन एग्जीक्यूशन करना यानी पहले टी का एग्जीक्यूट कर दें आप फिर टी को सो दैट ऑर्डर इज़ कॉल्ड टी वन ठीक है या फिर हम क्या बोल सकते हैं पहले टी को एग्जीक्यूट किया फिर टी को सो तो या तो आप टी को टी टू एग्जीक्यूट कर सकते या टी टू टी तो देर आर वेरियस पॉसिबिलिटी ठीक है यानी आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी सीरियल शेड्यूल इज पॉसिबल तो हम देखेंगे उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है सो तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि आपने टी वन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया डेटा आइटम रीड किया फिर ए को अपडेट किया ए कोस प्लस थर्टी फिर राइट किया फिर रीड बी किया बी को माइनस किया और राइट भी कर दिया आपने ठीक है तो ये टी वन ट्रांजेक्शन आपका क्या हुआ यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ ठीक है अब देखिए अगर वॉट इज़ द एग्जीक्यूशन लाइक हम बोल रहे टी वन के बाद टी टू को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ए को रीड किया आपने ठीक है ए की इनिशियल वैल्यू मान लीजिए आपने हंड्रेड बोली तो हंड्रेड में आपने एड किया थर्टी दैट इज़ वन थर्टी फिर राइट ए किया यानी ए अपडेट हो गया कितना हो गया वन थर्टी हो गया नाउ ए विल बिकम वन थर्टी फिर बी रीड किया मान लीजिए बी की इनिशियल वैल्यू भी कितनी है आपकी हंड्रेड है तो बी हंड्रेड रीड किया आपने 100 में से 50 माइनस किया तो 50 बचा एंड राइट बी कर दिया आपने जैसे ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम उस टाइम पे आपका क्या होगा अपडेशन परफॉर्म होगा ठीक है सो बी विल 50 इन दिस केस तो जैसे ही राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब आपका क्या होगा अपडेशन होगा गॉट इट तो बी की वैल्यू फिफ्टी हुई फिर रीड है अब ये रीड है ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो री की ए की अपडेटेड वैल्यू लेगा दैट इज वन फिर ए में एड किया 50 तो इट विल बिकम 180 एटी एंड राइट ए तो ये कितना हो गया 180 एटी यानी ए की वैल्यू अपडेट हो गया कितनी हो गई 180 एटी नाव बी को रीड किया दैट इज 50 50 माइनस थर्टी किया तो कितना हुआ 20 ठीक है सो बी की वैल्यू हुआ 20 राइट बी एंड दैट इज द 20 सो बी का वैल्यू कितना हो गया आपका 20 हो गया दैट इज द फाइनल रिजल्ट ठीक है सो ये आपका सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन बोलेंगे हम इसको क्या बोलेंगे दैट सीरियल शेड्यूल नाउ प्रॉब्लम विथ सीरियल शेड्यूल सीरियल शेड्यूल के साथ प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपकी कि मोर वेटिंग टाइम है आपका डेफिनेटली मान लीजिए अगर आपके पास एंड शेड्यूल है तो लास्ट वाले शेड्यूल मतलब सॉरी एंड ट्रांजेक्शन है अगर किसी शेड्यूल में तो लास्ट ट्रांजेक्शन का जो टाइम है वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा आपका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन लेस हो सकता है क्योंकि हो सकता है किसी शेड्यूल को मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कोई एक रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है ठीक है वो रिसोर्स फ्री है बट उस ट्रांजेक्शन को अभी आपने शेड्यूल नहीं किया है तो उस टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन आपका कम हो गया लेस थ्रूपुट होगा ठीक है थ्रूपुट आपका लेस हो सकता है डेफिनेटली आपको नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर यूनिट टाइम डिक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि मान लीजिए हो सकता है कि स्मॉल साइज वाला ट्रांजेक्शन आपने लास्ट में एग्जीक्यूट किया तो वो आपका लेट रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको ठीक है तो लेट रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं हम सो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद द सीरियल शेड्यूल ये प्रॉब्लम आपके सीरियल शेड्यूल में आती है नाउ कॉन शेड्यूल शेड्यूल प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम कॉन करंट एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं तो देखिए कॉन शेड्यूल क्या है आपका जैसे फर्स्ट यहाँ पर हमने क्या बोला कि कुछ ट्रांजेक्शन के कुछ स्टेटमेंट कौन करने यानी सारे शेड्यूल्स हम क्या बोल रहे हैं एग्जीक्यूशन स्टेज में ठीक है यानी ऑल आर इन अ वर्किंग स्टेज लाइक अ मल्टी टास्किंग बोल सकते हैं आपकी मल्टी शेड्यूल आपका जो होता है ठीक है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपके लाइक दैट ठीक है सो हम क्या बोल रहे हैं कि सारे ट्रांजेक्शन को सारी प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूशन में रख रखा है लाइक फर्स्ट टी का पहला कुछ पार्ट आपने एग्जीक्यूट किया फिर टी का कुछ पार्ट एग्जीक्यूट किया फिर टी पे आ गए फिर टी पे आ गए यानी सारे वर्किंग कंडीशन में आपके

बी को रीड किया आपने 100, 100 में से 50 गया दैट इज 50 राइट बी फिफ्टी किया फिर इसने फिफ्टी रीड किया फिफ्टी माइनस थर्टी ट्वेंटी राइट बी दैट इज ट्वेंटी तो बी की अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी ट्वेंटी तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो सीरियल शेड्यूल का जो एग्जीक्यूशन का आउटपुट जो आ रहा था आपका वो भी यही आ रहा था और कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन का आउटपुट भी यही आ रहा था यानी क्योंकि हमने स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली exactly वही लिखे हैं देखिए आपके स्टेटमेंट वही है हमने सिर्फ इनको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर चेंज कर दिया ये इंस्ट्रक्शन आपके बाद में एग्जीक्यूट होंगे किसके बाद इन तीनों इंस्ट्रक्शन के पहले तो देखिए अगर हमने ये ऑर्डर चेंज किया तो भी आपका आउटपुट सेम आ रहा है इसका मतलब इट इज़ अ सीरियली इक्विवेलेंट बोल सकते हैं या फिर हम क्या बोल सकते हैं दैट इज आउटपुट इक्विवेलेंट शेड्यूल ठीक है, है? यानी कि जिसका सीरियल और कॉन्क्रंट का आउटपुट सेम आएगा दैट इज सीरियलाइज्ड शेड्यूल ठीक है जिसको हम सीरियलाइजेबल बोलते हैं तो उस पॉइंट पे हम आने वाले हैं तो हम क्या बोल रहे हैं पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं कि इफ शेड्यूल एज कंसिस्ट एन ट्रांजेक्शन अगर किसी शेड्यूल में एन ट्रांजेक्शन है देन नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल इज एन फैक्टोरियल अगर आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल कितने बनेंगे सो एन फैक्टोरियल लाइक आपके पास टी वन टी टू एंड टी थ्री तीन ट्रांजेक्शन है ठीक है सो नंबर ऑफ़ सीरियल शेड्यूल कितने बनेंगे तो दैट इज़ टी वन टी टू टी थ्री ठीक है आपने डेफिनेटली थ्री फैक्टोरियल आपका कितना हो जाएगा सिक्स होगा ठीक है तो टी वन टी टू टी थ्री फिर टी वन के बाद टी थ्री टी टू लिख सकते हैं टी वन के बाद आपने यहाँ पे दैट सॉरी टी टू को ले लिया टी वन टी थ्री या फिर टी टू टी थ्री टी वन ले लिया आपने ठीक है टी थ्री टी टू टी वन ज ऑर्डर ऑफ दैट ट्रांजेक्शन ना शेड्यूल ट्रांजैक्शन ठीक है एंड टी वन कंसिस्ट एक्स स्टेटमेंट अगर आपके शेड्यूल में एंड ट्रांजैक्शन है और टी वन में एक्स स्टेटमेंट है ठीक है और टी टू में वाई स्टेटमेंट है एंड टी थ्री में जेड स्टेटमेंट है एंड सो ऑन देन नंबर ऑफ कॉन शेड्यूल कितने होंगे अब देखिए आपसे कॉनकरेंट शेड्यूल पूछा है कॉनकरेंट एग्जीक्यूशन तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कॉन्करेंट का एग्जीक्यूशन यानी डेफिनेटली कुछ स्टेटमेंट टी वन के फिर टी टू के फिर टी थ्री के ऐसे आप किसी भी ऑर्डर में कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते तो कॉन्करेंट शेड्यूल कितने बनेंगे आपके तो देखिए अगर एंड ट्रांजेक्शन है ठीक है सो टी वन में अगर एक्स स्टेटमेंट है टी वू में वाई है और टी थ्री में जेड है तो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल जो होंगे आपके एक्स प्लस वाई प्लस जेड फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल वाई फैक्टोरियल जेड फैक्टोरियल ठीक है मतलब हमने तीन ट्रांजेक्शन के लिए बोला है T1 में X स्टेटमेंट है जैसे आपने रीड राइट और जो स्टेटमेंट लिखे थे उसकी बात कर रहे हो टी टू में Y स्टेटमेंट है और T3 में Z है तो आपका टोटल जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होंगे दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय ठीक है ये तीन होंगे आपके दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल इंटू वाई फैक्टोरियल इंटू जेड फैक्टोरियल ठीक है दैट इज दिस ये बनेगा आपका X plus Y plus Z is X factorial, Y factorial and Z factorial. Got it? So that is the order of execution. So ये आपके total number of concurrent schedules बनेंगे, ठीक है? Now अब देखिए, serial schedules कितने? N factorial. अब हम ये बोल सकते हैं कि जब आप total concurrent schedule calculate कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आपके serial schedule के combination भी आएंगे. क्योंकि देखिए अगर मैंने बोला कि एक्स वाई जेड को अरेंज करने के तरीके हैं एक्स स्टेटमेंट वाई और जेड स्टेटमेंट को तो आपके पास तीन ट्रांजेक्शन है टी वन टी टू टी थ्री टी वन में एक्स स्टेटमेंट है तो मान लीजिए सारे एक्स स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट कर दिए फिर मैंने सारे वाई कर दिए और सारे जेड कर दिए या फिर पहले सारे वाई किए एक्स और जेड यानी कि जो आपके सिक्स कॉम्बिनेशन यहाँ पर सीरियल वाले आएंगे जो प्योर सीरियल शेड्यूल बोल सकते हैं हम वो आपके क्या होंगे दैट इज ऑल्सो कॉन्करेंट यानी एवरी सीरियल शेड्यूल इज ऑल्सो कॉन्करेंट जब आप कॉन्करेंट शेड्यूल आपसे पूछा जाए तो ये जो आप फॉर्मूले से वैल्यू निकालने वाले हैं अगर आपसे यहाँ पर इस टाइप से पूछा है कि तीन ट्रांजेक्शन है उसके कॉन्करेंट शेड्यूल्स कितने बनेंगे तो हर एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने अगर ये आंसर निकाला तो दैट ऑल्सो कंटेन अ सीरियल यानी कि एवरी सीरियल इज अ कॉन्करेंट अगर आपसे पूछा है नॉन सीरियल शेड्यूल नॉन सीरियल का मतलब क्या है कि वो कॉन्करेंट शेड्यूल्स जिनमें सीरियल कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए आपको तो आपको क्या करना है कि जो कॉन्करेंट शेड्यूल आप निकाल रहे हैं उसमें से सीरियल शेड्यूल को माइनस कर यानी एन फैक्टोरियल जो आप निकालेंगे इसको माइनस कर दें टोटल में से तो आपके प्योर नॉन सीरियल शेड्यूल आ जाएंगे तो ये पॉइंट याद रखें एवरी कॉन्करेंट एवरी सीरियल इज कॉन्करेंट जब आप कॉन्करेंट निकालेंगे तो उसमें नॉन सीरियल प्लस सीरियल दोनों का कॉम्बिनेशन होगा आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल इज नॉन सीरियल प्लस सीरियल ये इधर आके क्या हो जाएगा एड हो जाएगा तो दैट इज द कंसेप्ट इफ द आउटपुट जैसे हमने पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि इफ द आउटपुट ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल इज सेम एज अ सीरियल शेड्यूल देन सच टाइप ऑफ कॉन्करेंट शेड्यूल इज कॉल्ड सीरियलाइजेबल शेड्यूल यानी जिस पर्टिकुलर कॉन्करेंट शेड्यूल का आउटपुट उसके किसी एक सीरियल शेड्यूल देखिए जरूर नहीं सारे किसी एक सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो तो हम उसे क्या बोलेंगे दैट इज सीरियलाइजेबल शेड्यूल सो देखिए टू चेक द शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल और नॉट वी कैन यूज द फॉलोइंग टू टेक्निक कंफ्लिक सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल ठीक है अगर आपको चेक करना है कि दो शेड्यूल आपके सीरियल शेड्यूल है या नहीं तो देर आर टू टेक्निक यानी कि और व्यू दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल और नॉट सीरियलाइजेबल का मतलब क्या कि आउटपुट ऑफ सीरियल एंड कॉन्करेंट इज क्या है Same है सेम ठीक सो चेक करने के लिए दो प्रॉपर्टी है एंड व्यू अब देखिए हमने जैसे अभी स्टेटमेंट वाइज लिखा है वैल्यूज लिखी है तो आप रन करके भी समझ सकते हैं लेकिन टेक्निक से आप इजीली उसे क्या कर पाएंगे आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो कन्फ्लिक सीरियलाइजेबल क्या होता है ठीक है सो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल देखिए अगेन वही पॉइंट लिखा हमने चेक देयर आर टू पॉइंट्स कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू देखिए कुछ पॉइंट है हमारे पास ये पहले हम समझते हैं हमने बोला दो टेक्निक से हम चेक कर पाएंगे कि शेड्यूल आपका सीरियलाइजेबल है या नहीं तो पहला है कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा है व्यू ठीक है दैट इज फर्स्ट कन्फ्लिक्ट एंड सेकेंड व्यू दो टेक्निक है आपके पास चेक करने की कि शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं है तो कन्फ्लिक्ट कैसे चेक करेंगे तो हमने बोला अगर आपने जो भी प्रॉपर्टी अभी हम समझेंगे कि कैसे चेक करेंगे अगर मान लीजिए आपने एक शेड्यूल को चेक किया और वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है यानी कि अगर वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो वो व्यू भी होगा एवरी कन्फ्लिक्टरियलाइजेबल इज व्यू बट वाइज वर्सा इज नॉट ट्रू यानी कि अगर आपका शेड्यूल कन्फ्लिक सीरियलाइजेबल नहीं है लेकिन व्यू है तो वो कन्फ्लिक्ट हो यह जरूरी नहीं है मतलब रिवर्स इज नॉट ट्रू एंड एवरी व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू इज ऑल्सो ट्रू ठीक है यानी कि देखिए अगर आपने बोला तीन चीजें हैं आपके पास जितने भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ठीक है एंड व्यू सीरियलाइजेबल ठीक है That conflict serializable, view serializable, और आपने एक डायग्राम यहां बना दिया दैट इज सीरियलाइजेबल ठीक है इस तरीके से रिलेशन समझ सकते हैं आप कि जितने भी कन्फ्लिक्ट जितने भी व्यू है ठीक है वो सीरियलाइजेबल होंगे अब देखिए दैट सम पॉइंट इज मिसिंग ठीक है ये सीरियलाइजेबल को अलग नहीं बनाते हो हम इसको यही लिख देखे लाइक दिस जस्ट अ मिनट मोर क्लियरली आप इसको समझ सकते हैं ठीक है व्यू सीरियलाइजेबल एंड इसी पॉइंट में आपने सीरियलाइजेबल भी बोले यानी व्यू बोले या डायरेक्ट सीरियलाइजेबल बोले एक ही बात है तो शेड्यूल अगर कन्फ्लिक्ट देखिए फर्स्ट पॉइंट एवरी कंफ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज व्यू बट वाइज वर्सा इज नॉट ट्रू देखिए क्योंकि इस पॉइंट पे अगर कोई शेड्यूल आता है तो वो व्यू के एरिया को भी कवर कर रहा है तो एवरी कंफ्लिक्ट इज व्यू कन्फ्लिक्ट इज सबसेट व्यू इज ठीक है लेकिन रिवर्स इज नॉट ट्रू

साइक्लिकेड्यूल इज कंफ्लिक सीरियलाइजेबल यानी आपको एक ट्रांजेक्शन का ग्राफ बनाना है तो शेड्यूल में जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सबका एक ग्राफ बनाएंगे अगर ग्राफ में शेड्यूल इज कन्फ्लिकबल वो शेड्यूल क्या होगा आपका कंफ्लिक सीरियलाइजेबल होगा गॉट एट नाउ हाउ टू डिजाइन द प्रेडेंस ग्राफ नो एज ठीक है हाउ टू डिजाइन द प्रेडेंस ग्राफ टी वन टी टू रीड ए रीड ए ठीक है तो ये आपके दो ट्रांजेक्शन है टी वन T2 टी टू क्लियर है अगर दोनों में हमने देखिए हम प्रेसिडेंस ग्राफ बना रहे हैं कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन के लिए ठीक है यानी कि जितने ट्रांजेक्शन है उतने तो नोड बन जाएंगे एजेस कैसे बनाएंगे देखिए इस पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए एक शेड्यूल है आपका इस शेड्यूल के लिए हमने बोला कोई एज नहीं है क्योंकि अगर कोई ट्रांजेक्शन किसी डेटा आइटम को रीड कर रहा है और दूसरा ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है उसी डेटा आइटम को रीड कर रहा है तो रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने भी ट्रांजेक्शन रीड करे कोई समस्या नहीं है हमें ठीक है सो टी वन में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे देर इज़ नॉट एनी एज तो यहाँ तो कोई एज ही नहीं है तो जब एज ही नहीं है तो साइकिल भी नहीं होगी डेफिनेटली एज से ही तो साइकिल बनेगी आपकी तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको T1 रीड कर रहा है और T2 राइट कर रहा है सो so, T1 से T2 एज जाएगी आपकी यानी कि देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका ट्रांजैक्शन T1 रीड द डेटा आइटम ठीक है एंड ट्रांजैक्शन T2 राइट आफ्टर दैट रीडिंग यानी T1 ने पहले रीड किया और फिर T2 क्या कर रहा है राइट कर रहा है तो T1 से T2 एक एज आपकी यहाँ पर बनेगी तो पहले जो कर रहा है वहां से बाद में जो कर रहा है वहां तक ठीक है अब चाहे वो रीड राइट करें या राइट रीड करें यानी टी वन अगर राइट कर रहा है और टी टू रीड कर रहा है तो भी आपका टी वन से टी टू ही एज जाएगी क्लियर है और मान लीजिए टी वन ने राइट किया और टी टू बाद में राइट कर रहा है तो भी टी वन से टी टू यानी जो बाद में परफॉर्म कर रहा है कंफ्लिक्टिंग ऑपरेशन ठीक है रीड राइट राइट रीड और राइट राइट में भी ठीक है सिर्फ रीड रीड को छोड़ के बाकी तीनों के केस में आपको एज बनानी है सो दैट इज द कंसेप्ट अब ऐसे जितने भी ऑपरेशन हो रहे होंगे सब ऑपरेशन के लिए आप एजेस बनाएंगे और उन के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कि ग्राफ में कहीं तो नहीं है अगर साइकिल है सो so नॉट और अगर नहीं है ठीक so है समझना है टी वन में रीड ए हो रहा है तो टी टू में कहीं भी हो राइट right है ठीक है टी टू में कहीं भी राइट right किसी भी पॉइंट पे जरूरी नहीं है हमें कि आपने तो यानी कि यहाँ पर रीड के बाद यहाँ कंटिन्यूसली पहला ही दिखना चाहिए इस पूरे ट्रांजेक्शन में कहीं भी राइट ए हो रहा होगा पहले रीड हुआ और यहाँ कहीं भी राइट ए होगा तो एज जाएगी तो देखिए ये रीड हुआ और यहाँ राइट ए हो रहा है यानी टी से टी में एज जाएगी आप ठीक है दैट इज फॉर आइटम ए अब देखिए यहाँ ए लिख सकते हैं बट जरूरत नहीं है हमें सिर्फ साइकिल देखनी क्योंकि किसी भी आइटम से साइकिल बने साइकिल बननी चाहिए अब देखिए टी वन से टी टू एज बन चुकी है तो अब टी वन से टी टू देखें ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक एज बन चुकी है अब हम ये ट्राई करें क्या टी टू से टी वन एज बन रही है तो देखिए टी टू का पहला रीड ए इसके बाद यहाँ कहीं राइट हुआ क्या ए में नहीं हुआ ठीक है इधर राइट ए राइट के बाद कहीं रीड हो रहा है क्या ए में नहीं हो रहा है ठीक है फिर उसके बाद टी टू के आइटम्स ये दिख रहे हैं आपको दैट इज रीड भी राइट बी इसके बाद कहीं टी वन में रीड ए या राइट राइट भी हुआ क्या रीड बी राइट बी कोई भी ऑपरेशन सो so नहीं हुआ यानी कि टी टू से टी वन के लिए कोई एज समझ में ही नहीं आ रही आपको दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ रीड ए राइट ए हो रहा है इधर कोई रीड ए राइट ए नहीं हो रहा है इधर रीड बी राइट बी हुआ उसके बाद कोई रीड बी राइट बी नहीं वो पहले ही हो चुका है यानी कि इसके बाद ये हो रहा है तो जो एज जाएगी वो टी वन से टी टू ही जाएगी बी के लिए भी देखिए दैट इज़ द रीड एंड राइट या फिर ये राइट एंड रीड ठीक है आइटम सेम है यानी दोनों के लिए एज बनेगी तो आप दो बनाएं जरूरी नहीं है एक भी बनाएंगे तो चलेगा तो ये ए के लिए बन रही है बी के लिए बन रही है ठीक है ऐसी कितनी भी एजेस आ सकती है लेकिन सारी टी वन से टी टू ही आ रही है आपकी ठीक है यानी इस रीड राइट -right के लिए इस राइट right रीड के लिए देखिए ए के लिए दो एज बना दिया आपने ठीक है फिर बी के लिए भी दो एज बन रही है आपको क्योंकि यहाँ पर रीड राइट राइट रीड गॉट इट और राइट right, राइट right भी ले सकते यहाँ पे भी राइट right, राइट right ले सकते तो जितनी भी एज बनेगी वो टी वन से टी टू ही जा रही है आपकी यानी कि आपका साइकिल नहीं है देखिए साइकिल कब होती टी वन से टी टू और टी टू से टी वन भी होता so cycle, so है सो नॉट एनी साइकिलइजेबल शेड्यूल है दैट इज द शेड्यूल एस आर वन ये आपने शेड्यूल लिखा है ठीक है इस शेड्यूल में अगर हम देखें इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ आ सकता है जैसा कि अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में बनाया या तो उस तरीके से या फिर इसमें तो इसमें हमें सब्सक्रिप्ट फाइंड करना है देखिए वन टू वन टू दो ही नंबर दिख रहे हैं सब्सक्रिप्ट में आर का मतलब है रीडिंग वन मतलब ट्रांजेक्शन टी वन ए आइटम पे रीड कर रहा है ट्रांजेक्शन T1 A ए आइटम पर राइड करना है ट्रांजेक्शन T2 A आइटम पे रीड कर रहा है ट्रांजेक्शन T2 A आइटम पे राइट कर रहा है इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है तो देखिए आप डायरेक्टली इस सीक्वेंस से भी फाइंड कर सकते हैं या फिर आप उसका शेड्यूल टेबल वाइज स्ट्रक्चर बना ले हम दोनों तरीके से समझेंगे कि कैसे बन रहा है आपका तो पहले हम टेबल बना के समझते हैं दो ट्रांजेक्शन है टी वन टी टू पहला स्टेटमेंट टी वन में है फिर अगेन राइट भी टी वन में हो रहा है फिर टी टू में रीड हो रहा है फिर टी टू में ही राइट हो रहा है फिर टी वन में रीड हुआ टी वन में ही राइट हुआ आपका फिर टी टू में रीड हुआ और टी टू में ही राइट हुआ तो देखिए एग्जैक्टली exactly वही शेड्यूल है ये जो आपका प्रीवियस था लेकिन हमने इस फॉर्मेट में लिखा तो दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में आपको आ सकता है तो डेफिनेटली वही हुआ बात आपकी टी वन से टी टू ही एज जाएगी आपकी बस ठीक है ओनली फ्रॉम टी वन टू टी टू तो इट इज नॉट साइकिल कोई साइकिल नहीं है दैट्स इट इज सीरियलाइजेबल ये होगा आपका गॉट इट अब डायरेक्टली हम कैसे समझ रहे थे जैसे हमने बोला कि T1 T2 आपने दो नोड बना दिए को देख के समझ में आ रहे हैं आप कि दो नोड है पहला रीड ए हो रहा है तो आपको सर्च करना है कि T2 में कहीं राइट हो रहा है क्या तो यस इस रीड के बाद ये राइट हुआ टू में टी वन से टी टू एज बना दी अब टी वन वाले ट्रांजेक्शन को भूल जाएं आप टी टू पे आ जाएं डायरेक्टली ये टी टू में रीड ए हुआ इसके बाद टी वन में कहीं राइट ए हुआ क्या नहीं हुआ फिर आप देखिए ये टी टू में रीड भी हुआ इसके बाद टी वन में कहीं राइट भी हुआ नहीं हुआ इसका मतलब नो साइकिल ट एट लाइक देखिए इसके लिए हम समझते हैं हम यहाँ पे तीन सब्सक्रिप्ट दी हुई है ठीक है तो तेरा थ्री ट्रांजेक्शन टी वन टी टू टी थ्री ठीक है तो हम क्या बोल रहे तीन ट्रांजेक्शन आपको बना लेना है यहाँ पे टी वन टी टू टी थ्री अब देखिए हम डायरेक्टली अगर इसको डिजाइन करें कि या तो आप इसको टेबल फॉर्मेट में लिख देंगे देखिए रीड आर टू जेड आर टू वाई यानी कि टी टू में पहले जेड रीड, रीड हुआ फिर वाई रीड हुआ फिर वाई, हुआ, फिर वाई पे राइट हुआ फिर आर थ्री में रीड वाई हो रहा है आर थ्री में जेड हो रहा है ठीक है फिर आर वन में आपने एक्स लिखा डब्ल्यू वन एक्स लिखा राइट किया एक्स को फिर यहाँ पे राइट कर रहे हैं आप जेड को फिर यहाँ पे रीड कर रहे हैं एक्स को फिर यहाँ रीड कर रहे हैं वाई को ठीक है रीड राइट एंड राइट ठीक है दैट इज राइट एक्स ये लिखा हमने ये सारे प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो किए हम क्या बोल रहे हैं कि t1 में अगर आपने t1 t2 t3 गॉट इट सो t2 में अगर रीड राइट रीड z रीड z एंड राइट z अगर आपने लिखा है तो t2 के करस्पोंडिंग हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इन दिस केस ये तीन ट्रांजैक्शन है आपके t1 t2 t3 गॉट इट सो आप पहला t2 में ऑपरेशन हो रहा है तो पहली एज डेफिनेटली आप t2 से फाइंड कर ले कहीं जा रही है या नहीं तो so, t2 में रीड हुआ तो हम देखें कि Z रीड हो रहा है तो कहीं राइट right हो रहा है Z में तो यहाँ हो रहा है राइट right Z में इसके बाद अगर आप देखें सो कहीं राइट right हुआ Z में कहीं पे भी नहीं हो रहा तो टू से थ्री तो एज जाएगी अब टू से थ्री बन गई है तो ट्राई करें क्या थ्री से टू भी बन रही है आपकी सो तो देखिए थ्री में आपका रीड वाई राइट जेड रीड जेड राइट जेड हो रहा है लेकिन उसके बाद जेड और वाई में कोई ऑपरेशन नहीं है आपका किसमें दैट इज इन दीवन ठीक है देखिए ये रीड वाई फिर राइट वाई और उसके बाद राइट एक्स यहाँ हुआ था उसके पहले रीड एक्स टी टू में हुआ ठीक है टी थ्री टी टू के टी थ्री के ऑपरेशन के बाद टी टू में कहीं भी आपका जेड या एक्स पे आपका वाई या जेड पे कहीं राइट ऑपरेशन या रीड नहीं हो रहा है गॉट इट सो नहीं जाएगा आपका नाउ फिर अगर हम देखें यहाँ पर टी टू से टी वन कोई पॉसिबिलिटी है तो ये राइट वाई है और ये रीड राइट हो रहा है इधर वाई में यानी टू से वन जाएगा आपका ठीक है वन से टू सो देखिए राइट एक्स रीड एक्स तो राइट रीड के लिए या रीड आपका और बाद में राइट हो रहा है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल यानी टी वन से टी टू भी एच जाएगी टी वन से टी टू टी टू से टी वन एक भी साइकिल दिखी आपको सो नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइज अगर एक भी साइकिल दिखी दैन इट इज नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा Uh, next question. Consider the following four schedules due to three transaction indicated by the subscript using read and write on data item X, denoted by read X and write X respectively. Then, which one of the following is conflict serializable? Consider the following four schedules due to three transactions indicated by the subscript using read and write X, write on the data item X. तो ये आपको दिया है कौन सा कन्फ्लिक सीरियलाइजेबल होगा दैट इज द क्वेश्चन तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें दैट फर्स्ट वन इज रीड एक्स सेकेंड क्या है आपका इस तरीके से लिखा हुआ है कौन सा कन्फ्लिक सीरियलाइजेबल होगा जिसमें साइकिल नहीं है तो देखिए हम वन बाय वन सारे ऑप्शन को देख सकते हैं लाइक दैट टी वन टी टू दो ट्रांजेक्शन है एंड टी थ्री यहाँ पर तीन सब्सक्रिप्ट दिख रहे हैं पहले ऑप्शन में देखिए रीड एक्स अब देखिए इन सबके लिए टेबल बनाए या डायरेक्टली समझे देखिए आर वन में रीड एक्स हो रहा है तो कहीं राइट हो रहा है क्या यस yes. वन के बाद टू में राइट हुआ टी वन से टी टू एच गई टी वन से टी टू बन गई है अब आपने टू से देखा टू में रीड एक्स हुआ और वन में राइट एक्स हो रहा है तो टू से वन भी जा रही है यानी ये साइकिल बन गई चाहे टी थ्री पे एज जाए या नहीं जाए उससे हमें मतलब नहीं साइकिल बन गई है हमारी क्लियर है सो दैट मीन्स द साइकिल इज क्रिएट इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दैट इज नॉट सीरियलाइजेबल तो ये तो नहीं है फिर ये आर टू एक्स आर वन एक्स ठीक है R2 में रीड हो रहा है अगेन हम इसके लिए सेकेंड वाले के लिए देखते हैं T1, T2, T3. R2 में 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 रीड हुआ, उसके बाद राइट right लास्ट हो रहा है, तो वन से टू भी जाएगा आपका टू सेवन वन से टू एच साइकिल के लिए देखते हैं टी वन टी टू टी थ्री डॉट एट ये आर थ्री में रीड हुआ एक्स फिर आपका आर देखिए डब्ल्यू वन एक्स डब्ल्यू टू एक्स यानी टी थ्री में रीड किया एक्स को उसके बाद आपने टी टू और टी वन दोनों में राइट किया यानी टी थ्री से टी टू टी वन दोनों में एच जाएगी अब आप यहाँ से देखें टू में रीड हुआ ठीक है उसके बाद वन में राइट हो रहा है यानी टू से वन भी एच जाएगी आपकी टू के बाद वन फिर वन में रीड हुआ और टू में राइट हुआ तो 1 से 2 वन से टू भी एच जाएगी आपकी ठीक है से 1, वन से टू भी जा रही है टू से वन वन से टू सो इट इज ऑल्सो नॉट कन्फ्लिकबल साइकिल बन गई यहां पे भी अब लास्ट हम सिर्फ इसके लिए देखेंगे दैट इज डी के लिए टी वन टी टू टी थ्री ये रीड कर रहा है और उसके बाद ये राइट कर रहा है टी टू रीड किया ठीक है टी टू ने रीड किया और फिर सॉरी दैट टी टू रीड एंड टी वन राइट दैट इज दिस ठीक है टी टू ने रीड किया फिर टी वन ने राइट किया फिर अगर आप देखें तो टी थ्री ने रीड किया और T1 ने राइट किया T3 से T1 लेकिन T1 के ऑपरेशन जो हो रहे हैं उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन ऑपरेशन ही नहीं कर रहा है ठीक है और अगर आप देखें तो देखिए टू से थ्री भी एच जाएगी आपकी क्योंकि टू में रीड राइट हुआ और फिर थ्री में रीड हुआ तो so, टू से थ्री भी एच जाएगी तो so, ये दो टी टू से दोनों ट्रांजेक्शन पे एच जा रही है लेकिन टी थ्री से सिर्फ टी वन पे जा रही है सो इट इज़ नॉट साइकिल ये साइकिल नहीं है सो इट इज़ सीरियलाइजेबल कन्फ्लिक्ट डी इज द राइट आंसर तो इस तरीके से आप कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी चेक कर सकते हैं ठीक है दैट्स इट इज़ कॉल्ड द सीरियलाइजेबल गॉट इट दैट इज द लॉजिक इट इज सीरियलाइजेबल क्लियर ना अगर हम यहाँ पर देखें दैट नेक्स्ट समझते हैं हम क्या क्वेश्चन दिया है हमें अब देखिए दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू ट्रांजेक्शन टी वन एंड टी टू आर गिवन एस दो ट्रांजेक्शन दिए हैं आपको ठीक है और इसके जो स्टेटमेंट है उसका मीनिंग दिया हुआ है हमें आर आई वी का मतलब होता है रीड ऑपरेशन बाय ट्रांजेक्शन टी आई ऑन वेरिएबल वी एंड राइट ऑपरेशन डिनोटेड बाय राइट ऑपरेशन ट्रांजेक्शन टी आई ऑन वेरिएबल वी ठीक है यानी रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म बाय ट्रांजेक्शन टी आई जो कि हमें पता है उसका मीनिंग ठीक है उसने लिखा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना टोटल नंबर ऑफ सीरियलाइजेबल शेड्यूल कैन बी टी टू सीरियलाइजेबल शेड्यूल पूछे देखिए सीरियलाइजेबल शेड्यूल कितने होंगे गॉट इट सो हमें कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ कि टोटल कॉन्करेंट शेड्यूल पूछे हमें जिनमें साइकिल नहीं है ठीक है उस तो सारे शेड्यूल आएंगे आपके टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल जितने पॉसिबल आप बना रहे हैं चाहे वो सीरियल हो नॉन सीरियल हो सारे ठीक है क्योंकि कन्फ्लिक्ट कोई सा भी हो सकता है जरूरी नहीं है आपको कॉनकरेंट ही हो ठीक है यानी जरूरी नहीं है नॉन सीरियल ही हो हमेशा आप लाइक आपने बोला कि इसका एक स्टेटमेंट है ठीक है आई वन आई टू पहले ही एग्जीक्यूट किया फिर इसमें कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया आपने तो टी वन से टी टू तो मान लो अगर एज भी बन रही है तो एक ही डायरेक्शन में बनेगी यानी इसमें कभी भी साइकिल नहीं आएगी हंड्रेड परसेंट कन्फ्लिक्ट होगा तो हमें कन्फ्लिक्ट निकालना है तो देखिए क्या तरीका होगा आपका कन्फ्लिक्ट निकालने का तो हम एक काम कर सकते हैं कि जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ शेड्यूल्स बनते हैं टोटल पॉसिबल शेड्यूल्स जितने भी बन रहे हैं इसके वो फाइंड कर लें और उसमें से जो कन्फ्लिक्ट नहीं है उनको माइनस कर दे ठीक है यानी जो कन्फ्लिक्ट नहीं है जिसमें आपकी साइकिल बनेगी वो माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ सीरियलाइजेबल शेड्यूल आ जाएंगे आपको क्योंकि तो डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला ही नहीं हमारे पास ठीक है सो हमें यहाँ पे पता है कि टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल का जो फॉर्मूला है आपका ठीक है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने बनेंगे जो सीरियल नॉन सीरियल दोनों हो ठीक है जो हमने फॉर्मूला देखा था x प्लस वाई होल ठीक है अगर मान लीजिए दो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे तो दो के लिए एक्स वाई स्टेटमेंट मान लिया हमने तो एक्स प्लस वाई फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल वाई फैक्टोरियल ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो देखिए दोनों ट्रांजेक्शन में कितने ना एक दो तीन वन टू तो, थ्री फोर 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 आइटम्स है यानी एक्स की वैल्यू भी फोर है और वाई की वैल्यू भी तो फोर प्लस फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल तो ऊपर आया आपका एट फैक्टोरियल डिवाइड बाय फोर फैक्टोरियल ठीक है दैट इज दिस तो एट बाय फोर फैक्टोरियल का आंसर जो आएगा आपका यू कैन कैलकुलेट दैट दैट इज इक्व टू सेवेंटी सेवनटी इज द राइट आंसर ठीक है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं तो आंसर आएगा दैट इज सेवेंटी यानी टोटल पॉसिबल शेड्यूल सेवेंटी है लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ क्या हो नॉन कन्फ्लिक्ट ठीक है जो कन्फ्लिक्स रियलाइजेबल नहीं हो जिनमें साइकिल बन रही हो तो हम वो सारे केसेस देखें जिसमें साइकिल बन सकती है उनको यहाँ से माइनस कर दें उनको निकालें यहाँ से तो आपके कन्फ्लिक्ट बन जाएंगे तो देखिए आपके दो ट्रांजेक्शन है टी वन टी टू पहले इसके स्टेटमेंट लिख देता हूँ लाइक इसमें रीड एक्स हो रहा है राइट एक्स रीड वाई राइट वाई ये चार स्टेटमेंट है इसके टी टू के कौन से हैं रीड वाई राइट वाई ठीक है रीड जेड राइट जेड अब देखिए अगर हम यहाँ पे समझे तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखें तो आपके जो ट्रां जो शेड्यूल से ठीक है उस जो शेड्यूल के अंदर जो स्टेटमेंट से उसमें T1 में आपके X और T2 में जो Z है इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है यानी ये X और Z X के लिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है Z के लिए कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है कन्फ्लिक्ट आपका T2 और T1 में किसके लिए आ सकता है Y के लिए कि इसने रीड किया फिर इसने राइट किया फिर इसने रीड किया और फिर इसने राइट किया इस तरीके से साइकिल वाला कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं तो दो तरीके हैं आपके देखिए कन्फ्लिक्टिंग एक्शन कैसे आ सकती है पहला केस मैं ले सकता हूँ यहाँ पे दैट वन केस क्या बनेगा टी वन एंड टी टू ठीक है अगर मान लीजिए आपने क्या किया पहले इसमें रीड किया टी वन में रीड भाई किया आपने फिर देखिए पहले ऑब्वियसली ऑर्डर चेंज नहीं करना यानी पहले राइट नहीं करना फिर रीड नहीं करना इसका ऑर्डर वही रहेगा पहले इसका रीड करवा दिया फिर आपने यहाँ पे क्या बोल दिया

मान लीजिए आपने यहाँ पे बोला कि दैट इज द रीड मान लीजिए इसमें पहले हमने क्या करवा दिया इसका रीड हो गया आपका फिर इसका राइट भी करवा दिया हमने राइट right. लेकिन हम क्या बोल रहे हैं इस राइट के पहले यहाँ पे रीड हो जाए पहले टी टू में रीड और फिर टी वन में राइट और इसके राइट के बाद यहाँ राइट हो आपका है समझ में सो so, क्या होगा आपका दैट रीड फिर राइट और फिर ये राइट और फिर ये राइट यानी कि ये एज यहाँ से और ये एज यहाँ से इसके अलावा कोई केस नहीं बनेगा आपका यानी ये दो तेज केस के थ्रू आपके साइकिल आ सकते हैं जिसमें आपने T1 के ट्रांजेक्शन का ऑर्डर ये रखा T2 का ये रखा इधर T1 का ये रखा T2 का ये रखा तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि जहां से आपका क्या है साइकिल आए और अगर साइकिल आई तो क्या होगा कनफिक्स रियलाइजेबल नहीं होगा और अगर नहीं होगा तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो इस तीन आइटम की यहाँ पे रीड यहाँ राइट और यहाँ रीड फिक्स राइट फिक्स कर दिया अब बचे हुए आइटम के कॉम्बिनेशन आपको समझ तो पहले केस वन हम समझते हैं केस वन से कितने बनेंगे टोटल देखिए केस वन का अगर हम ऑर्डर समझे यहां पर देखिए फर्स्ट केस से आप यहां पे क्या बोल रहे हैं कि आपने देखिए जस्ट किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे लाइक जस्ट अंडरस्टैंड दैट इसी को हम ओपन कर देते हैं ठीक है यहां पे लिखा दैट ये आपने रीड किया ठीक है ये रीड जो है आपका फिक्स है अब इस रीड वाई के पहले रीड एक्स राइट एक्स होगा आपका यहाँ पे यानी ये रीड एक्स राइट एक्स ये तो करना ही है आपको पहले डेफिनेटली वो तो होगा ठीक है और फिर उसके बाद रीड वाई करें यानी कि देखिए ये हम क्या बोल रहे हैं ये टी वन है और ये टी टू है ठीक है सो टी वन का रीड एक्स राइट एक्स पहले करेंगे और फिर रीड वाई इन तीनों में से मतलब आप डेफिनेटली रीड वाई का ऑर्डर जो भी रखेंगे आप ठीक है इनके जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे किसके साथ इधर कौन सा स्टेटमेंट है ये राइट वाई के पहले क्या है रीड वाई देखिए ये तीन है और इधर एक है तो T1 में थ्री आइटम T2 में वन आइटम इससे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने शेड्यूल बनेंगे तो सेम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला ठीक है और इधर नीचे क्या होगा राइट वाई ये तो लास्ट स्टेटमेंट है तो ये तो अकेला है आपका ठीक है इस राइट वाई की पोजिशन फिक्स है आपकी इसकी क्योंकि यही तो कंफ्लिक्ट कैंसिल करेगा आपका यहां क्या बचा आपका रीड जेड और राइट जेड तो इनके साथ जितने कॉम्बिनेशन है ठीक है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि हर इसके हर एक कॉम्बिनेशन के साथ इसका हर एक कॉम्बिनेशन तो देखिए ऊपर आया आपका थ्री एक्स की वैल्यू इसके लिए थ्री स्टेटमेंट इसमें वन एक्स इज थ्री वाई वन तो यहां से जो बन रहे हैं वो क्या बनेंगे आपके थ्री प्लस वन ठीक है होल फैक्टोरियल 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 डिवाइड सो ऊपर से आएगा फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल यानी फोर फैक्टोरियल को थ्री से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर ही बचेगा आपका ठीक है यू कैन सॉल्व दिस फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल तो आप लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल थ्री से कैंसिल तो कितने बचे फोर तो यहाँ से आप क्या आ रहे हैं फोर इससे फोर ट्रांजेक्शन आपके फोर डिफरेंट शेड्यूल्स बनेंगे और इन कॉम्बिनेशन से वन और टू है तो आप क्या लिखेंगे वन प्लस टू फैक्टोरियल डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल सो डेफिनेटली टू सॉरी दैट इज वन प्लस टू थ्री थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल थ्री बाय टू मतलब थ्री फैक्टोरियल डिड बाई टू फैक्टोरियल क्या बनेगा तो से थ्री यहां से फोर तो ये 4 और ये थ्री तो टोटल कितने तो यहां से ट्वेल्व कॉम्बिनेशन आप बना सकते ये ऑर्डर रखने पे सेकंड केस को हम समझते हैं ठीक है सेकंड केस को समझते किस तरीके से आपका यहां पर बनेगा देखिए सेकेंड केस में अगर आप देखें यहां पर T1 है एंड इज ट्री टू क्लियर है सो so, अब ये हम क्या बोल रहे हैं कि ये रीड पहले हो और ये राइट हो तो देखिए ये रीड भाई है आपका पहला स्टेटमेंट है और उसके बाद इधर राइट करना आपको फिक्स हो गया सो so, इस रीड के साथ इधर आइटम जो है वो क्या लिख सकते हैं आप ठीक है इसके रीड के पहले तो कुछ है ही नहीं तो पहला ही रीड है आपका ठीक है इधर आपका क्या है रीड एक्स राइट एक्स रीड वाय और ये राइट वाई फिक्स है आपका और यहां पे राइट right वाई उसके बाद आपके रीड जेड राइट जेड दैट इज दिस तो देखिए अगर आप ऊपर देखिए तो ऊपर वही कॉम्बिनेशन है थ्री और वन का यानी इनमें जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके दैट इज वही थ्री प्लस वन बाय थ्री फैक्टोरियल इन वन फैक्टोरियल ठीक है ये बनेगा आपका दैट इज फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल दैट इज इक्व टू फोर ठीक है तो ये फोर शेड्यूल्स बनेंगे यहां से अगर आप देखें तो कितने बनेंगे इधर तो जीरो है फॉर्मुले से भी आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू थ्री तो जीरो प्लस थ्री का फैक्टोरियल डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल तो ऊपर भी थ्री फैक्टोरियल नीचे भी थ्री फैक्टोरियल दैट फैक्टोरियल वन होता है आपका तो दैट इज

द नेक्स्ट टॉपिक इज द कन्फ्लिक्टवीवेलेंट शेड्यूल अब देखिए कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल समझा हमने कन्फ्लिक्टवीवेलेंट क्या होता है आपका तो शेड्यूल को कन्फ्लिक्टवीवेलेंट कब बोलेंगे इफ प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ बोथ द शेड्यूल इज सेम यानी अगर दोनों ग्राफ के दोनों शेड्यूल के प्रेसिडेंस ग्राफ अगर सेम बन रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा कन्फ्लिक्टवीवेलेंट कन्फ्लिक्ट का मतलब ही क्या होता है कि ऑपरेशन में कन्फ्लिक्ट एक रीड कर रहा है दूसरा राइट दूसरा रीड कर रहा है पहला राइट ठीक है सो किसी भी ऑर्डर में कंफ्लिक्ट ऑपरेशन हो रहे हैं जो तीन केसेस हमने देखे दैट रीड राइट ठीक है राइट रीड या राइट right, राइट right, ये कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन होते हैं तो दोनों शेड्यूल में अगर एक जैसे कन्फ्लिक्ट ऑपरेशन हो रहे हैं यानी कि जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो कंफ्लिक्ट ऑपरेशन के लिए बना रहे हैं तो अगर दोनों शेड्यूल में सेम ऑर्डर में आपका क्या हो रहा है कन्फ्लिक्ट आ रहा है सो so, हम क्या बोलेंगे दैट इज कंफ्लिकेड्यूल तो एस वन एस टू तो देखिए एस और एस वन के लिए अगर हम यहाँ पर बनाते हैं ग्राफ

T1 में देखिए राइट हुआ फिर T2 में रीड हुआ यानी वही ए राइट ए के लिए हम ऑलरेडी एज बना चुके हैं तो डबल बनाने की जरूरत नहीं है यू कैन ऑल्सो डिजाइन क्योंकि एक्जैक्टली exactly वही केसेस यहाँ पे भी बनेंगे ठीक है फिर आप देखें कि इन दिस पर्टिकुलर केस टी में रीड हुआ ठीक है टी में कहीं राइट रीड ए हुआ क्या आपका राइट ए हुआ क्या तो देखिए T2 में रीड राइट होने के बाद T1 में कहीं रीड राइट A पे नहीं हो रहा है ठीक है

ये टी वन रीड कर रहा है फिर टी टू यहाँ पे राइट कर रहा है यानी बी के लिए भी जा रहा है आपका ए और बी के लिए अब टी टू से कहीं ये जा सकती है क्या तो देखिए टी टू के ये दो ऑपरेशन है ए पे उसके बाद टी वन में कहीं ए पे नहीं हुआ टी टू पे ये ऑपरेशन है बी के उसके बाद टी वन में कहीं बी पे नहीं हुआ यानी दोनों सेम है तो इक्विवेलेंट ठीक है सो दिस टू शेड्यूल्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज बोथ आर सेम तो द शेड्यूल एस एंड एस वन दोनों शेड्यूल आपके इक्विवेलेंट हो गए ठीक है अब देखिए एस और एस वन के लिए अगर हम यहाँ पर डिजाइन करें शेड्यूल एस एंड एस वन तो ये अगेन वे आपका यू कैन क्रॉस चेक फॉर दिस ऑल्सो ठीक है अगेन हम यहाँ पर बोल रहे हैं टी वन में रीड एक्स हुआ ठीक है फिर टी टू में कहीं एक्स पे रीड हुआ क्या राइट हुआ क्या नहीं हुआ ठीक है टी टू में रीड वाई हो रहा है ठीक है उसके बाद अगर आप देखें तो y कहाँ पे राइट हो रहा है वन में यानी टू से वन एच जाएगी आपकी दैट इज टी टू एंड दैट इज टी वन तो टू से वन जाएगा ठीक है फिर ये राइट एक्स हुआ एक्स में इसके बाद कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा दोनों एक्स के ऑपरेशन वन में ही हो रहे हैं तो एक्स से कोई कन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा कि आपका वाई के लिए है। फिर टी टू में ही वाई हुआ फिर टी वन में रीड राइट हुआ राइट के बाद रीड यानी कि दैट इज अगेन वाई के लिए एच जा रही है आपकी फिर अगर आप देखें टी वन से कहीं जा सकता है क्या तो टी वन से रीड इधर डेफिनेटली राइट हो रहा है फिर इधर अगर आप देखें तो ये टी टू है टी वन में कहीं Z नहीं हुआ आपका यानी कि दैट इज ओनली द मोमेंट ठीक है एक ही मोमेंट बन रहा है आपका टी टू से टी वन ओनली फिर अगर हम यहाँ पर देखें एस वन शेड्यूल के लिए टी टू में रीड वाई ठीक है फिर आपका टी वन में राइट वाई ठीक है अब देखिए आपको क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे टी टू से टी वन एज ही जा रही है आपकी ठीक है दूसरी एज भी आपकी जेड यानी कि यहाँ अगर आप, आप देखें ये राइट वाई रीड वाई टू से बन ही जाएगा आपका इसके बाद अगर आप देखें तो वन के जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं इसके बाद कभी टू में कुछ हुआ ही नहीं यानी वन जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो यानी कि ये तो सीरियल शेड्यूल हो गया और सीरियल हंड्रेड परसेंट आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा टू से बन ही जाएगा बोथ आर सेम सेम मतलब कि आपका

आप टी वन का ग्राफ बना ले जो गिवन शेड्यूल है इसका ग्राफ बना ले ताकि हम समझ सके किस से होगा रीड ए के बाद कहीं राइट नहीं हुआ ठीक है टी वन से ए के लिए तो कोई एज नहीं जाएगी फिर अगर आप देखें इसमें रीड बी हो रहा है एंड राइट बी भी, भी हो रहा है रीड राइट के बाद यहाँ राइट हुआ यानी टू से वन एक गेज जा रही है आपकी दैट इज फॉर द बी फिर अगर आप देखें यहाँ पे सी और इधर राइट यानी वन से टू एज जा रही है सी के लिए दैट इज सी फिर इधर वन पे राइट डी यू टू पे राइट right रीड हुआ और फिर वन पे डी टू से वन भी जाएगा आपका डी के लिए भी जाएगा आपका ठीक है इसके बाद देखें तो ये सी कर रहा है और ये बी कर रहा है तो कोई कन्फ्लिक्टिंग नहीं है तो ये ग्राफ बना आपका ना अलग अलग आइटम के लिए आप एजेस बना दिया आपने ना इसके लिए अगर आप समझे फर्स्ट टी वन टी टू वो एज ठीक है तो देखिए टी तो वन के बाद टी वन के ऑपरेशन के बाद टी टू में सिर्फ एक ही हो रहा है राइट सी यानी ये रीड के बाद ये राइट हुआ ठीक है यानी वन से टू एच जाएगी आप फिर अगर आप देखें दैट इज रीड राइट ठीक है इसके अलावा आपका T1 से T2 तो जाना नहीं है T2 से T1 देखें अगर आप तो ये रीड बी राइट बी इधर राइट बी हो रहा है से वन दैट इज बी के लिए ठीक है तो ये आपका C के लिए था ये B के लिए फिर यहां पर दैट इज राइट बी ठीक है ये इसके लिए हो गया इधर रीड और फिर इधर राइट यानी कि टू से वन डी के लिए भी जा रहा है तो एग्जैक्टली सेम ग्राफ देखिए आप एग्जैक्टली सेम ठीक है ये बी और सी के लिए टी टू से टी वन जा रहा है और आपका सॉरी दैट इज बी और डी के लिए टी टू से टी वन जा रहा है और सी के लिए टी वन से टी टू जा रहा है तो इसमें भी वही हो रहा है हम दूसरे के लिए भी चेक कर लेते हैं यहां पर अगर आप देखें तो देखिए यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है आपको पहले T1 में हुआ और फिर T2 में सारे ऑपरेशन हो रहे हैं यानी वन से टू ही एज बन सकती है टू से वन कभी बनेगी ही नहीं वन से टू भी अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली वही ऑपरेशन है आपके तो रीड राइट ठीक है सारी एजेस आपकी कहाँ से जा रही है वन से टू जा रही है सो तो ये आपका रीड हुआ सी यहाँ राइट हुआ इधर बी राइट हुआ और इधर रीड हुआ यानी बी के लिए भी इधर ही जा रही है आपकी ठीक है डी के लिए भी इधर जा ही जाएगी आपकी तो दैट इज फोर डी एंड डी ठीक है तो सारी एजेस आपकी वन से टू ही जा रही है सेम इसके लिए होगा आपका देखिए ये क्लियरली समझ में आ रहा था हमें कि बी का जो कन्फ्लिक्टिंग है वो टी से टी पे जाना चाहिए यहाँ पे अगर आप देखें तो बी का कन्फ्लिक्ट टी से टी ही जा रहा है ठीक है लेकिन डी का कन्फ्लिक्टिंग भी टी से टी जाना चाहिए लेकिन इसमें डी का कन्फ्लिक्ट टी से टी से टी जा रहा है सो इट इज़ नॉट करेक्ट ये भी करेक्ट नहीं है सेम इसके लिए आप देखें तो ये टी से टी ही जाइए ए की तरफ डायरेक्शन में जाएगा सो so, सिर्फ ए इज द राइट आंसर ठीक है तो फर्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दट इज करेक्ट बल तो देखिये हमने वही पॉइंट यहाँ लिखा है की कंफ्लिक्स आपने चेक करना है की शेड्यूल सीरियलाइजेबल है नहीं तो दो टेक्निक होती है आपकी कन्फ्लिक्ट एंड व्यू जो कन्फ्लिक्ट अभी हमने देखी है ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बोले कि हर एक कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आपका व्यू होगा तो आपसे अगर व्यू पूछा है तो पहले तो देख ले कि कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं अगर कन्फ्लिक्ट है तो व्यू चेक करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप क्या बोल देंगे कि इट इज अ व्यू सीरियलाइजेबल ठीक है अगर कन्फ्लिक्ट है सो डायरेक्टली यू कैन से दैट इट इज व्यू सीरियलाइजेबल ठीक है लेकिन अगर आपका कन्फ्लिक्ट नहीं है कन्फ्लिक्ट नहीं है तो फिर आपको व्यू के लिए चेक करना है ठीक है कन्फ्लिक्ट नहीं है तो व्यू के लिए चेक करना है तो शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल इफ़ इट इज अ व्यू इक्विवेलेंट टू इट्स वन ऑफ द सीरियल शेड्यूल यानी व्यू सीरियलाइजेबल कब बोलेंगे जब वो उसके किसी एक सीरियल शेड्यूल के क्या हो व्यू इक्विवेलेंट हो ठीक है इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स सीरियल शेड्यूल अब व्यू इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो देखिए पहले अगर आपने बोल दिया कन्फ्लिक सीरियलाइजेबल है हंड्रेड पर व्यू भी होगा तो चेक करना ही नहीं हमें ठीक है थीके? लेकिन अगर वो कंफ्लिक नहीं है तो व्यू इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या होती है आपकी सो देखिए व्यू इक्विवेलेंट क्या होता है टू शेड्यूल्स S1 वन एंड एस टू आर कंसिस्टिंग ऑफ टू ट्रांजेक्शन T1 वन एंड टी टू मान लीजिए दो शेड्यूल है एस वन एस टू और दो ट्रांजेक्शन है टी वन टू ठीक है हम सिंपल से दो ट्रांजेक्शन के लिए समझ रहे हैं कितने भी हो सकते हैं आपके So S1 of दोनों में सेम होने चाहिए एक ही शेड्यूल का आपने व्यू इक्विवेलेंट यानी उसका सीरियल शेड्यूल बनाया ट्रांजेक्शन सेम तो होंगे पहली कंडीशन फोर इच डेटा आइटम एक्स इफ ट्रांजेक्शन टी रीड एक्स from database initially in schedule S1, then in schedule S2 also TI must perform the initial read of X from the database. Initial read must be same for all the data item. इसका मतलब क्या हुआ कि एक schedule में आपने बोला T1, T2 दो transaction है, ठीक है? So आपने दूसरा schedule जो आपने S1 लिया, उसमें definitely T1, T2 दो transaction है, या कितने भी हो, T1, T2, T3 कितने भी हो, ठीक है? इसमें भी उतने ही होंगे, कितने भी बोला हमने तो इसमें भी उतने ही होंगे, ठीक है? तो देखिए अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि T1, T2, T3, T3 तीन ट्रांजेक्शन है तो एस शेड्यूल के किसी भी ट्रांजेक्शन ने किसी पर्टिकुलर डेटा आइटम पे मान लीजिए रीड किया है इनिशियल रीड, इनिशियल का मतलब जो डेटा बेस में ओरिजिनल वैल्यू है वो उसने रीड की हो तो दूसरे शेड्यूल में भी वही ट्रांजेक्शन आपका क्या करे इनिशियल रीड परफॉर्म करे ठीक है यानी कि इनिशियल रीड ऑफ डेटा आइटम पर्टिकुलर डेटा आइटम ऐसे दस डेटा आइटम हो सकते हैं तो दसों के लिए सेम कंडीशन होगी तो इनिशियल रीड अगर x का T2 ने किया है एस शेड्यूल में तो x का इनिशियल रीड T2 ही करेगा S1 में भी ठीक है दैट इज द कंडीशन तो दोनों शेड्यूल में आपका इनिशियल रीट सेम ट्रांजेक्शन के थ्रू प्रोसेस होना चाहिए तो वो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी तो व्यू इक्विवेलेंट के लिए तीन कंडीशन देखनी है हमें पहली तो इनिशियल रीड हो गया

इसमें मान लीजिए दो ट्रांजैक्शन T1 एंड T2 तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी शेड्यूल में कोई ट्रांजेक्शन कोई डेटा आइटम रीड कर रहा है लाइक इसने रीड ए किया जो कि किसी और ट्रांजेक्शन ने राइट कर दिया पहले ही यानी इसकी अपडेटेड वैल्यू ले रहा है ये तो अगर S1 ट्रांजेक्शन में T2 T1 की अपडेटेड वैल्यू रीड कर रहा है तो S2 में भी ऐसा ही हो S2 में भी ऐसा ही हो कि T1 वन रीड करे किसकी अपडेटेड वैल्यू T2 टू रीड करे किससे जो T1 से अपडेट होकर आ रही है यानी कि ये यह मेंटेन होनी चाहिए अब देखिए जरूरी नहीं है कि दोनों ऐसे कंटिन्यू यहाँ हो रहे हो सकता है ये दोनों कुछ टाइम बाद एग्जीक्यूट हो रहे हो यानी इसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन हो रहे हो लेकिन ये रीड तो अपडेटेड ही करेगा टी जब भी रीड करेगा टी का अपडेटेड रीड करेगा तो यहाँ पे जो हो रहा है वो यहाँ पे भी होना चाहिए दोनों में सेम

यानी yani, क्या बोली हमने? Final write must be same. इसका मतलब यह हुआ कि आपने मान लीजिए पर आपके पास तीन शेड्यूल में तीन ट्रांजेक्शन है एस वन में भी तीन ट्रांजेक्शन है आपके पास तो हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी हर एक आइटम के लिए ठीक है हम सिर्फ एक आइटम को डिस्कस कर रहे ऐसे हर आइटम के लिए बोलना है हमें कि फाइनल राइट अगर किसी ट्रांजेक्शन ने किया है लाइक इसमें आपने बोला है कि टी टू ने एक्स को फाइनल राइट किया इसके बाद एक्स को कोई राइट नहीं कर रहा है तो एस वन शेड्यूल में भी टी टू हीस को क्या करेगा फाइनल राइट करेगा इसके बाद कोई और राइट नहीं कर सकता यानी फाइनल राइट मस्ट मस्ट बी बी सेम परफॉर्म बाय द सेम ट्रांजेक्शन इन द बोथ शेड्यूल ठीक है देन इट इज बी इक्वेलेंट ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये व्यू इक्वेलेंट होगा अदरवाइज नहीं होगा यानी पहली कंडीशन इनिशियल रीड दूसरी कंडीशन फाइनल राइट ठीक है देखिए पहली कंडीशन इनिशियल रीड थी दूसरी अपडेटेड रीड वाला था रीड राइट वाला कॉम्बिनेशन लेकिन पहली और तीसरी कंडीशन इजी होगी आपको समझने के लिए अगर आपने पहली और तीसरी कंडीशन फॉल्स प्रूफ कर दी तीनों में से एक भी कंडीशन अगर आपने फॉल्स प्रूफ कर दी यानी कि वो व्यू इक्वेलेंट नहीं है यानी कि वो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है देखिए व्यू सीरियलाइजेबल पॉइंट पर कब आएंगे हम तो हमने क्या बोला कि अगर आपका कोई शेड्यूल ठीक है व्यू इक्वेल है देखिए जनरली अगर आप पहले इसके लिए समझते हैं पहला एग्जाम्पल हम हर एक एग्जाम्पल से समझते हैं इट इज व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट तो हम क्या बोलेंगे कि पहले तो चेक कर लें कन्फ्लिक्ट है या नहीं अगर कन्फ्लिक्ट है तो व्यू भी होगा तो रीड राइट 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 ये तो डायरेक्टली साइकिल बन गई आपकी ठीक है देखने की जरूरत ही नहीं रीड टी वन से रीड हुआ टी टू में राइट यहाँ राइट हुआ इधर रीड तो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है ठीक है अब व्यू है क्या या नहीं व्यू है या नहीं सो देखिए रीड राइट 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 व्यू के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी एक सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट समझना है आपको व्यू इक्वे अब देखिए शेड्यूल एक ही दिया है आपको तो इसका व्यू इक्विवेलेंट किसके साथ प्रूफ करेंगे तो इसका कोई एक सीरियल शेड्यूल तो T1 T2 T3 एक सीरियल ये बनेगा एक T1 T3 T2 ये बनेगा ऐसे सिक्स सीरियल शेड्यूल बनेंगे आपके ठीक है लाइक टी टू टी वन टी थ्री टी टू टी थ्री टी वन ठीक है फिर आपने बोला दैट इज टी थ्री टी वन टी टू फिर आपने बोला टी थ्री टी टू टी वन दैट इज दिस आपके बने ठीक है तो इनमें से आप क्या बोल रहे हैं कि कोई भी इन सिक्स में से किसी एक के भी अगर भी ये व्यू इक्विवेलेंट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देगा तो हम इसे व्यू सीरियलाइजेबल बोलेंगे लेकिन अगर एक के भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नहीं होगा तो पहला आपने T1, T2, T3 जो आपने लिखा पहले T1 का रीड ए राइट लिखा सीरियल मतलब पहले पूरा T1 एग्जीक्यूट होगा टी टू एक्जीक्यूट होगा और फिर टी थ्री देखिए आपका इनिशियल रीड एक ही जगह रीड हो रहा है यहाँ पे जो कि इनिशियल है, तो है कोई दूसरा नहीं कर रहा है ठीक है फिर हम बात करें सेकेंड कंडीशन कहीं पे अपटेडेट रीड हो रहा है तो देखिए इनिशियल के अलावा कोई रीड ही नहीं हो रहा है ना तो टी टू ने रीड किया ना टी थ्री ने रीड किया कोई रीड ही नहीं किया इसने डायरेक्ट राइट कर दिया ठीक है सो so, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सेकंड कंडीशन तो होल्ड ही नहीं हो रही अगर नहीं हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है इधर भी नहीं हो रही इधर भी नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे हम बोल रहे हैं फाइनल ए आइटम पे राइट टी थ्री कर रहा है और यहाँ पे भी फाइनल ए आइटम पे टी थ्री कर रहा है यानी ये दोनों शेड्यूल आपके व्यू इक्वी है तो व्यू इक्वी है यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा और इसका जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा नॉट एट दैट्स हम क्या बोलेंगे दैट इज व्यू ये व्यू सीरियलाइजेबल होगा आपका ट I मैथड mean, so हमने कैसे निकालेंगे शॉर्टकट तरीका आपको आना चाहिए कि हम सारे शेड्यूल की तो चेक नहीं करेंगे तो ऑल कन्फ्लिक्टेड्यूल आर व्यू ये तो पहला पॉइंट है आपका आपको पहले सबसे पहले यही देखना है आपसे पूछा है कि शेड्यूल व्यू है या नहीं तो पहले आप क्या देखे कि क्या वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है अगर है तो बात खत्म वहीं पे बोल दिया कि व्यू लेकिन अगर कन्फ्लिक्ट देन फॉर दो शेड्यूल देट आर नॉट सीरियलाइजेबल ठीक है conflict, schedule, अगर ऐसे शेड्यूल जो सीरियलाइजेबल नहीं है सिर्फ उसके लिए कंडीशन समझना है ठीक है सिर्फ उस शेड्यूल के लिए जो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है उसके लिए पहला पॉइंट इफ देर एग डॉट एग्जिस्ट एनी ब्लाइंड ब्लाइंड राइट क्या होता है यानी कि ये जो ब्लाइंड राइट है आपका ठीक है ये जो हमने प्रीवियस विदाउट रीडिंग अगर आप डायरेक्ट कोई ट्रांजेक्शन बिना उस डेटा को रीड किए डायरेक्टली राइट परफॉर्म करता है तो इस टाइप के राइट को हम बोलते हैं ब्लाइंड राइट ठीक है दैट इज कॉल्ड द ब्लाइंड राइट तो कोई ट्रांजेक्शन अगर बिना रीड किए अगर राइट परफॉर्म कर दे तो वो कहलाता है आपका ब्लाइंड राइट अगर आपका शेड्यूल कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है और अगर उसमें कोई ब्लाइंड राइट right भी नहीं है देन शेड्यूल इज श्योरली नॉट सीरियलाइजेबल नॉट व्यू सीरियलाइजेबल और डेफिनेटली व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है तो सीरियलाइजेबल भी नहीं होगा यानी कि आपको पहली कंडीशन कन्फ्लिक्ट देख ली अगर आपको दिख रहा है कि इट इज़ नॉट कन्फ्लिक्टलाइजेबल और अगर वो कन्फ्लिक्ट सीलाइजेबल नहीं है और ब्लाइंड राइट भी नहीं है देखिए पहले कन्फ्लिक्ट देखना उसके बाद ब्लाइंड राइट देखना डायरेक्ट ब्लाइंड राइट देख के नहीं बोलना है हमें ठीक है तो अगर सीरियलाइजेबल भी नहीं है और कोई ब्लाइंड राइट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो हंड्रेड परसेंट आपका व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा वो शेड्यूल हंड्रेड परसेंट व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा एंड इफ व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है तो डायरेक्ट दिस और अगर मान लीजिए ब्लाइंड राइट एग्जिस्ट कर रहा है

उसका भी डायरेक्ट वे होता है देखिए सारे कॉम्बिनेशन चेक नहीं करने पड़ेंगे आप डायरेक्टली बोल देंगे कि इट इज प्रेजेंट व्यू है या नहीं है हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कुछ एग्जाम्पल से हम उसको देंगे लाइक like दैट ये दिया है तो हमने पहला देख लिया कि कहीं कन्फ्लिक्ट है या नहीं तो टी वन में रीड हुआ एक्स टी टू में कहीं राइट नहीं हुआ एक्स पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसने रीड किया और इसने एक्स को राइट किया टी टू से टी वन जा रहा है फिर देखिए टी टू से टी वन तो एज बन गई। क्या टी वन से टी टू कभी बनेगी ये राइट एक्स राइट वाई नो प्रॉब्लम ठीक है इधर राइट वाई राइट वाई हो रहा है तो अगेन एज टी टू से जा रही है टी टू से टी वन तो दोनों एज टू से वन पे जा रही है आपकी वन से टू पे कोई एज नहीं जा रही सो इट इज सीरियलाइजेबल सो ऑल्सो यू सीरियलाइजेबल अब कन्फ्लिक्ट है तो कुछ ब्लाइंड फ्लाइंड नहीं देखना है हमें ठीक है कन्फ्लिक्ट है मतलब यू भी होगा बात करना नेक्स्ट इसके लिए कन्फ्लिक्ट है या नहीं तो देखिए अगर हम यहाँ देखें तो क्लियरली दिख रहा है रीड राइट एक्स पे हुआ उसके बाद इसने रीड राइट किया तो ये टी वन से टी फिर इधर रीड राइट हो रहा है और इधर आपका रीड राइट हो रहा है तो टी टू से T1. T1 से सो नॉट सीरियलाइजेबल कन्फ्लिक सीरियलाइजेबल नहीं है सो so व्यू होगा या नहीं तो देखिए कन्फ्लिक्ट नहीं है तो चेक करना है कि कहीं ब्लाइंड राइट हो रहा है या नहीं इफ देयर इज नॉट एनी ब्लाइंड राइट देखिए कहीं ब्लाइंड राइट है ब्लाइंड राइट का मतलब विदाउट रीडिंग तो ये राइट पहले रीड के बाद हो रहा है ये राइट भी रीड के बाद हो रहा है

उसमें हम डायरेक्टली ये नहीं बोलेंगे कि वो व्यू सीएलाइजेबल उसके उसमें चेक करना पड़ेगा लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है डायरेक्टली बोलेंगे नॉट like व्यूसी लाइक दैट देखिए यहाँ पर रीड एक्स अब देखिए पहले तो कन्फ्लिक्ट के लिए देख लें कन्फ्लिक्ट सीएलाइजेबल है या नहीं तो रीड एक्स राइट कहीं नहीं हो रहा है ठीक है फिर अगर हम देखें यहाँ पे दैट इज राइट वाई राइट वाई यानी टी वन से टी टू है दैट इज रीड एक्स राइट एक्स टी टू से टी वन भी है टी वन टी टू टी टू टी वन साइकिल बन गई ठीक है

और एक टी टू टी वन बनेगा तो देखिए कौन से से करें हम तो यहां है हमें कि का, फाइनल का हो रहा है टी T2 टू T2 को फाइनल किया। और इधर भी हो रहा है में। तो अगर मैंने T2 को पहले एग्जीक्यूट कर दिया तो फाइनल राइट टी वन का हो जाएगा इसलिए टी टू टी वन तो लिख ही नहीं सकते आप यानी टी वन टी टू के अगर इक्विवेलेंट हुआ तो ठीक अदरवाइज नॉट तो इसके लिए देख लिया रीड एक्स राइट एक्स राइट वाई रीड एक्स रीडवाय राइट right वाई तो देखिए यहाँ आ जाएगी आपकी समस्या इनिशियल रीड वाली कैसे आइए ये रीड किया एक्स ने इनिशियल दैट इज द इनिशियल रीड एक्स का इनिशियल रीड है तो ओरिजिनल वैल्यू ले रहा है यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू ले रहा है एक्स की ये जो आपने डेटाबेस से उठाई इसने भी डेटाबेस से उठाई होगी ये भी इनिशियल रीड है एक्स का ये वाई भी इनिशियल रीड है क्योंकि देखिए इन तीनों रीड के पहले कहीं कोई भी अब राइट नहीं हो रहा है यानी ये तीनों इनिशियल रीड है लेकिन क्या इसमें है नहीं ये इनिशियल है लेकिन ये रीड एक्स कौन सा है यहाँ से अपडेटेड है ये इनिशियल नहीं है ये रीड वाई कौन सा है यहाँ से अपडेटेड है ये इनिशियल नहीं है यानी कि आपके इनिशियल रीड की प्रॉब्लम फेल कर रहा है T1 T2 और अगर आप T2 T1 को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो फाइनल राइट की प्रॉब्लम को फेल करेगा यानी आप ना तो T1 T2 कर सकते हैं ना ही T2 T1 कर सकते हैं दैट मीन्स इट इज नॉट नॉट व्यू सीरियलाइज अब देखिए ब्लाइंड राइट होते हुए हो भी व्यू नहीं है तो जरूरी नहीं है ठीक है इसीलिए हमने एग्जाम्पल समझा है यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को हाउ टू परफॉर्म डायरेक्टली तो so, पहले तो आप देख ले कि कन्फ्लिक्ट है या नहीं तो कन्फ्लिक्ट आपको डायरेक्टली समझ में आएगा देखिए T1 है T1 में आपने देखिए पहले T2 में D2 और D3 पे रीड राइट हो रहा है इधर कहीं राइट हुआ क्या देखिए ये T2 क्या कर रहा है ये D2 को रीड कर रहा है और राइट कर रहा है ठीक है और इधर रीड राइट हुआ यानी T2 से T1 वन एज चली गई आपकी और यहां पर रीड राइट हो रहा है आपका डी तो और उसके बाद यहाँ राइट हुआ यानी ये राइट के बाद रीड हो रहा है तो T1 से T2 टू भी चला गया तो साइकिल बन गई आपकी T1 T2 में यानी कि कन्फ्लिक्स सीरियलाइजेबल नहीं है अब देखिए नॉट कन्फ्लिक सीरियलाइजेबल अगर नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो क्या ढूंढना है हमें ब्लाइंड राइट अगर ब्लाइंड राइट भी नहीं है तो व्यू भी नहीं होगा ठीक है तो ब्लाइंड राइट दिख रहा है क्या कहीं पर रीड के बाद देखिए इसने रीड डी थ्री किया इसने रीड के बाद राइट किया राइट सर्च करने हैं आपको सारे ये डी वन रीड के बाद ही राइट हो रहा है यहाँ पे रीड आपका राइट देखिए ये रीड डी और डी थ्री दोनों रीड हो गए उसके बाद ही आपने राइट किया यानी जरूरी नहीं है सिक्वेंशली ये डी टू दी रीड हो चुके हैं और फिर राइट हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रीड के बाद राइट रीड के बाद राइट यानी नॉट ब्लाइंड राइट नॉट ब्लाइंड राइट।, राइट मतलब क्या हुआ नॉट 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 ब्लाइंड व्यू व्यू कंफ्लिक्टी इज द राइट आंसर द शेड्यूल इज नॉट सीरियलाइजेबल अगर व्यू भी नहीं है तो सीरियलाइजेबल भी नहीं होगा

तो अगर कन्फ्लिक्ट तो आप डायरेक्टली उस पर टोपोलॉजिकल शॉर्ट परफॉर्म करके बता सकते हैं कि वो शेड्यूल उस किस सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट होगा देखिए आपका एक शेड्यूल दिया टोपोलॉजिकल शॉर्ट का मतलब क्या होता है ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है पहले उस ट्रांजेक्शन को इवेल्यूएट करना है जिसकी इन डिग्री जीरो है आपने पहले इंडिग्री सीरियलाइजेबल के लिए हमने क्या बोला आपने टोपोलॉजिकल शॉर्ट अप्लाई किया उस शेड्यूल पे उस ग्राफ पे पहले आपने क्या बनाया उसका प्रेसिडेंस ग्राफ अब देखिये बात याद रखें हमें कि अगर उसमें कोई साइकिल नहीं है तभी आप टोपोलॉजिकल शॉर्ट अप्लाई करते हैं यानी अगर वो सीरियलाइजेबल है तभी पॉसिबल है तो टी वन पी इन डिग्री जीरो है टी तो वन पहले एग्जीक्यूट होगा और उसको एग्जीक्यूट करके उससे सारी एजेस को रिमूव कर देना है अब बचे हुए ग्राफ में इन डिग्री किसकी ज़ीरो टी टू और टी थ्री ये ग्राफ बचा आपका अब इन डिग्री टी थ्री की जीरो है तो टी थ्री को एग्जीक्यूट कर दिया आपने अब बचे हुए ग्राफ में इन डिग्री किसकी जीरो है टी टू की तो टी टू को एग्जीक्यूट कर दिया आपने टी वन टी थ्री टी टू इस ऑर्डर में आपका एग्जीक्यूशन हो गया ठीक है सो दैट इज दिस ये होता है आपका टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्लियर है टी वन टी थ्री टी टू टी थ्री को एग्जीक्यूट कर देंगे आप तो सिर्फ टी टू ही बचेगा जिसकी इन डिग्री जीरो है देखिए इसके लिए हमें क्वेश्चन आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आपको जरूरी नहीं ट्रांजेक्शन का नंबर दिया है क्वेश्चन आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी इस टाइप से आता है कि किस ऑर्डर में आपका एग्जीक्यूशन होगा तो देखिए अगर हम यहां देखें इन डिग्री किसकी जीरो है सबसे पहले देखिए भी, भी आ रही है या फोर को दोनों में से को भी कर सकते हैं आप तो देखिए अगर आप फाइव को करेंगे तो जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे अब देखिए एक से ज्यादा सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट हो सकता है आपका कोई भी ट्रांजेक्शन ठीक है इसलिए हमने यहाँ पे लॉजिक समझाए तो फाइव को रिमूव कर दिया अगर मैंने आपके पास टू की इन डिग्री ज़ीरो हो जाएगी और फोर की ऑलरेडी है ही सही तो फाइव के बाद या तो टू एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर फोर कर सकते हैं अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर टू को एग्जीक्यूट कर दिया तो टू को एग्जीक्यूट करने के बाद देखिए आपकी इन डिग्री जो है वो फोर की जीरो और थ्री की जीरो रहेगी तो टू को एग्जीक्यूट करने के बाद फोर और थ्री में से किसी को भी कर सकते हैं आप तो लाइक like अगर मैंने थ्री को कर दिया तो थ्री को अगर आपने किया तो उस केस में आपका क्या होगा इन डिग्री सिर्फ फोर की जीरो रहेगी क्योंकि जीरो पे और वन पे दोनों पे फोर से यह जा रही है यानी थ्री के बाद फोर को और फोर के बाद आप जीरो या वन किसी को भी कर सकते हैं लाइक like जीरो और वन तो ये एक कॉम्बिनेशन बना आपका फोर टू थ्री फोर जीरो वन इस तरीके से बाकी भी आपके नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो दैट इज वन ऑफ द सीरियल शेड्यूल यू कैन फाइंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ तो देखिए अगर हम यहाँ पर समझे कंसीडर द फॉलोइंग शेड्यूल्स फॉर द ट्रांजेक्शन ठीक है आपके पास तीन ट्रांजेक्शन है इस ट्रांजेक्शन में आपका शेड्यूल आपको बनाना है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल इज करेक्ट सीरियलाइजेशन अब देखिए डायरेक्ट आपको चार ऑप्शन में चार सीरियल शेड्यूल्स दिए हुए हैं यानी कि डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल होगा चाहे वो व्यू हो ठीक है यानी व्यू होगा अब कन्फ्लिक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है अगर कन्फ्लिक्ट होगा तो डायरेक्ट ग्राफ से निकाल सकते हैं आप सिक्वेंस जैसा टोपोलॉजिकल शॉर्ट अप्लाई करके करा और अगर कन्फ्लिक्ट नहीं है तो फिर आपको प्रोसीजर वाइज जाना पड़ेगा तो समझते हैं हम कन्फ्लिक्ट है या नहीं ई वन टी टू टी थ्री देखिए टी वन को में रीड एक्स हो रहा है और टी टू में राइट right हो रहा है टी वन से टी टू एच जाएगी ठीक है टी टू से टी वन जाएगी क्या नहीं जाएगी ये रीड रीड इसने एक्स बाद में किया है ठीक है अगर हम यहां देखें ई वन से टी थ्री भी जाएगी रीड के बाद राइट वन से थ्री भी तो देखिए थ्री से वन जाएगा क्या आपका एज थ्री से वन तो नहीं जा रहा है आपका एज अब देखिए टी टू से टी टू रीड एक्स टी वन से आपने टी थ्री बना दिया टी वन से आपने टी टू भी बना दिया लेकिन टी टू से टी वन या टी थ्री से टी वन आपकी कोई एज नहीं क्लियर है तो हम यहाँ पे देखें टू और थ्री के बीच में साइकिल तो नहीं बन रही रीड इधर टू से थ्री पे अगर आप देखिए तो टू से थ्री तो कोई एज नहीं जा रही ये रीड वाई कर रहा है इसके बाद इसने रीड किया है तो रीड रीड में कोई प्रॉब्लम नहीं राइट नहीं कर रहा है राइट वाई बाद में हो रहा है ठीक है और इधर रीड एक्स इस राइट के बाद रीड एक्स हो रहा है देखिए इस रीड राइट के लिए कंफ्लिक्ट हुआ है इस राइट रीड या राइट राइट के लिए होगा यानी टी थ्री से टी टू एज जाएगी आपकी सो देर इज नॉट एनी साइकिल ठीक है कोई साइकिल नहीं है तो इन डिग्री किसकी जीरो है आपकी टी टू की सॉरी टी वन की इन डिग्री जीरो है तो सबसे पहले T1 करेंगे, फिर आपका डिग्री तो right इसलिए डायरेक्टली उस पर टोपोलॉजिकल लगा के आंसर निकाल दिया हमने गॉट इट नाउ सपोज द डेटा बेस शेड्यूल इनवॉल्डेक्शन टी वन टू टी एन कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंस ग्राफ एज राइट

कंडीशंस बन सकती है तो देर आर फोर केसेस जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपका शेड्यूल रिकवरेबल है या नहीं सो फर्स्ट इर रिकवरेबल शेड्यूल रिकवरेबल कैसकेडलेस एंड स्ट्रिक्ट चार टाइप के शेड्यूल्स आपके होते हैं ठीक है सो हमारी मतलब सिस्टम किसको अलाउ करता है रिकवरेबल शेड्यूल को ठीक है कि द शेड्यूल मस्ट बी रिकवरेबल जो शेड्यूल रिकवरेबल होगा उस टाइप के शेड्यूल को सिस्टम अलाउ करेगा अब रिकवरेबिलिटी का मतलब क्या होता है रिकवरेबिलिटी मतलब कुछ नहीं अगर मान लीजिए आपका एक शेड्यूल है उस शेड्यूल में आपके ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट है एक दूसरे पे और कोई ट्रांजेक्शन अगर आपका फेल हो गया तो उस ट्रांजेक्शन को आप क्या करेंगे रोल बैक करेंगे तो उस ट्रांजेक्शन के फेल होने से उस पर जितने डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन थे उन सब का भी रोल बैकिंग होना चाहिए अगर हो रहा है तो रिकवरेबल नहीं हो रहा है तो नॉट रिकवरेबल देखिए

अब मान लीजिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ठीक है रीड बी राइट बी को एग्जीक्यूट करने से पहले या कहीं पे भी किसी पॉइंट पे मान लीजिए ये फेल हो गया दैट इज द फेल वॉट एवर द रीजन देर आर वेरियस रीजन टू फेल द ट्रांजेक्शन पावर फेल हो सकती है ठीक है कोई भी रीजन से अगर आपका ट्रांजेक्शन क्या हो गया फेल हो गया तो अगर ये ट्रांजेक्शन फेल हुआ आपका तो इस ट्रांजेक्शन को आप क्या करेंगे रोल बैक डेफिनेटली फेल हुआ मतलब आप क्या करेंगे रोल बैक यानी कि उसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो इस पे डिपेंडेंट कौन था आपका टी टू तो अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन फेल होता है उसको रोल बैक करते हैं तो उस पे जितने भी डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है उन सबको भी रोल बैक करना है अगर वो हो रहे हैं तो रिकवरेबल नहीं हो रहे हैं तो नॉट रिकवरेबल ठीक है तो, तो देखिए आप टी टू को नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले ही सेव हो चुका है परमानेंटली डेटाबेस में कमिट अगर एक बार आपने परफॉर्म किया उसके बाद आप उस चीज़ को रोल बैक नहीं कर सकते नहीं तो कमिट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा सो कमिट परफॉर्म किया यानी कि यू कैन नॉट एबल टू रोल बैक दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टी टू को हम रोल बैक नहीं कर सकते लेकिन करना चाहिए उसे क्योंकि वो टी वन पर डिपेंड करता था और टी वन आपका फेल हो चुका है सो दैट्स इट इज इन रिकवरेबल शेड्यूल क्योंकि इसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है इस शेड्यूल की अगर हम बात करें तो देखिए राइट ए हुआ उसके बाद इसने रीड किया लेकिन अब देखिए इसने रीड किया है ठीक है और फिर ये कमिट कर रहा है लेकिन उसके पहले टीवन कमिट हो चुका है यानी कि ये तो पहले ही आपका सेव हो गया अगर फेल हो रहा होगा तो पहले ही हो जाएगा इसके रीड होने के पहले ठीक है या देखिए ये केस नहीं लिखते हुए मैंने इसको हटा दिया यहां से कमिट कमिट आई जस्ट रिमूव दैट गॉट इट इसने राइट किया और इसने रीड किया ठीक है और हम क्या बोल रहे हैं इस कमिट को भी हटा दिया दैट इज ऑल्सो रिमूव जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग ठीक है आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी हमने कोई कमेंट नहीं रखा तो रीड के बाद राइट हुआ अब मान लीजिए यहां पे आपने C1 ने कमिट किया दैट इज दिस और फिर यहाँ पे कहीं C2 तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि इसने राइट किया रीड किया अब मान लीजिए इसके रीड होने के बाद ये T1 फेल हो गया यहां पे तो T1 क्या होगा रोल बैक टीवन रोल बैक होगा आपका ठीक है और T2 ने इसके डेटा को रीड किया इसलिए T2 भी रोल बैक होना चाहिए तो हो जाएगा क्योंकि वो अभी तक कमिट नहीं हुआ है तो दिस टाइप ऑफ शेड्यूल इज रिकवरेबल क्लियर है इस टाइप के शेड्यूल को हम क्या बोलेंगे रिकवरेबल कि आपका ये कमिट जो है इसके सिंपल सा लॉजिक ये जो ट्रांजेक्शन डिपेंडेंट है टी वन देन कमिट ऑपरेशन ऑफ टी वन कमिट ऑफ टी टू डिपेंड्स ऑन टी वन दैन कमिट ऑफ टी वन मस्ट बिफोर टी टू ठीक है यानी टी वन का कमिट

कैसकेट लेस शेड्यूल हमने बोला रिकवरेबल इन रिकवरेबल समझा हमने कैसकेट लेस शेड्यूल क्या होता है आपका कैशकेटलेस का मतलब ये होता है आपका कि अगर कोई ट्रांजेक्शन एक ट्रांजेक्शन के फेल होने पे अगर एक ट्रांजेक्शन के फेल होने पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को आपको रोल बैक करना पड़ रहा है तो वो आपका क्या कहलाता है कैशकेटिंग शेड्यूलेस ठीक है अब देखिए एक के फेल होने से नंबर ऑफ क्या हो रहे हैं रोल बैक हो रहे हैं तो रोल बैक अगर हो रहे हैं मतलब रिकवरेबल है रोल बैक ही नहीं हो पाते तो इन रिकवरेबल

रिकवरेबल तो है, बट लेस। ठीक है अब का मतलब देखिए आर वन इसने रीड किया फिर इसने राइट किया फिर ये रीड कर रहा है फिर इसने राइट किया और ये रीड कर रहा है यानी पे पे और डिपेंडेंट है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे आपका क्या हुआ टी वन फेल हुआ करेंगे। क्योंकि टी टू टी वन पे डिपेंडेंट है तो इसको भी करेंगे और कर सकते हैं क्योंकि ये अभी कमिट नहीं हुआ है और T3 T2 टी टू डिपेंडेंट है तो इसे भी रोल बैक करेंगे और कर सकते हैं क्योंकि ये अभी तक कमिट नहीं हुआ है तो एक शेड्यूल के फेल होने पे आपने सीरीज ऑफ शेड्यूल्स को रोल बैक किया इसका मतलब कि ये कैस्केड लेस शेड्यूल नहीं है इस कैसकेडिंग शेड्यूल ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे दैट प्रॉब्लम ऑफ इसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ कैसकेडिंग रोल बैक कैसकेडिंग रोल बैक तो किस टाइप की प्रॉब्लम है आपकी कैसकेटिंग रोलबैक की प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर शेड्यूल में क्लियर है दैट्स इट इज नॉट शेड्यूल लेकिन रिकवरेबल तो है एक के फेल होने पे जो डिपेंडेंट है उसे भी रोल बैक कर पा रहे हैं हम यानी रिकवरेबल है बट नॉट कैसकेटलेस शेड्यूल अब इसकी बात करें तो देखिए जो पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन अगर दूसरे पे डिपेंडेंट है तो जब तक वो कमिट नहीं हो वो रीड नहीं करे यानी इसने कमिट कर दिया उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रीड हुई है तो कमिटेड डेटा रीड किया इसने भी कमिटेड डेटा रीड किया ठीक है सो कमिटेड डेटा अगर आप मान लीजिए T1 यहाँ पे कहीं फेल होता है आपका तो सिर्फ T1 को रोल बैक करना पड़ेगा यानी कि उसके पहले जो मान लीजिए इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे समझे आप देखिए जस्ट कमिट के बाद फेल भी होता है तो कुछ रोल बैक नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी कमिटेड हो चुका है ठीक है तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं फेल होता है आपका किसी भी ड्यूरेशन पे तो ये इसने अपडेटेड वैल्यू ली है तो ये तो कमिटेड डेटा लिया है रोल बैक में क्या होता है आफ्टर कमिट जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो री एग्जीक्यूट होते हैं आपके तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि इसने कमिटेड लिया यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसने कमिटेड डेटा रीड किया तो एक के फेल होने से बाकी को रोल बैक नहीं करना पड़ रहा है इसलिए कैसकेड और डेफिनेटली रिकवरेबल तो है ही सही

कोई भी नया ट्रांजेक्शन उस अपडेटेड डेटा को कब तक रीड नहीं कर सकता जब तक जिसने उसे अपडेट किया है वो कमिट नहीं हो जाता या एबॉट नहीं हो जाता यानी किल नहीं हो जाता ठीक है तब तक आप उसको रीड नहीं करेंगे सो दैट इज कॉल्ड देखिए ये हमने बोला दैट कमिट ऑपरेशन ये राइट अनकमिटेड राइट कर सकते हैं देखिए इसने रीड किया फिर इसने राइट किया ये अपडेट कर चुका है इसके बाद इसने डायरेक्ट राइट कर दिया विदाउट रीडिंग तो ये चलेगा क्लियर है राइट के बाद राइट चलेगा किसमें कैशकेटलेस में ये चलेगा यहाँ पे लेकिन इफ़ अ शेड्यूल ट्रांजेक्शन इज नाइदर अलाउड टू रीड और राइट अ डेटा आइटम अंटिल द लास्ट ट्रांजेक्शन दैट रिटर्न इट इज कमिटेड और अबाउट कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या है डिफरेंस क्या है देखिए यहाँ पर यह बोल रहा है कि अगर इसने राइट किया तो ये रीड नहीं कर सकता है ठीक है रीड अलाउ नहीं करेगा क्योंकि इसने राइट किया तो ये जब तक कमिट नहीं हो इसका रीड यहाँ पे कर सकते हैं आप ठीक है यहाँ अलाउ करेगा यहाँ नहीं करेगा सो ये इस टाइप की कंडीशन लेकिन राइट डायरेक्टली अगर कर रहा है तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है तो हम क्या बोल रहे हैं हैं कर सकते हैं, लेकिन अनकमिटेड रीड नहीं कर सकते हैं तो, कैस ले लेकिन क्या बोलता है? ना तो आप रीड या राइट दोनों ही commit के राइट तो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते तो ये कमिट के बाद ही कर पाएंगे आप सो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे दैट इज स्ट्रिक्ट शेड्यूल यानी कि कोई शेड्यूल ने कुछ डेटा अपडेट किया है तो दूसरा शेड्यूल उसके बाद ना तो उस डेटा को रीड कर सकता है ना ही उस पर अपडेट कर सकता है जब तक कि उस शेड्यूल ने जिसने पहले अपडेट किया है वो कमिट नहीं हो जाए गॉट इट सो दैट इज द पॉइंट दाउ चेक फॉर दिस शेड्यूल इसके लिए समझते हैं क्या प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है तो हम इसके लिए टेबल बना लेते हैं ताकि इजीली आए हमें ईवन टी टू टी थ्री तीन ट्रांजेक्शन है टीवन ने देखिए सबसे पहले टी टू में रीड हुआ जैड फिर टी टू नहीं रीड किया भाई को और फिर टी टू नहीं राइट कर दिया भाई फिर टी थ्री ने आपने वाई को रीड किया फिर टी थ्री ने जैड को रीड किया फिर टी वन ने रीड किया एक्स को ठीक है आफ्टर दिस ऐसा नहीं फिर इसने राइट किया और फिर इसने कमिट कर दिया टी वन नहीं कर रहा है सब कुछ ठीक है फिर टी थ्री राइट कर रहा है जैड को फिर टी टू रीड कर रहा है एक्स को ठीक है, थोड़ा सा शेड्यूल आपका बड़ा है यहां पर लाइन में नहीं आएगा हम यहाँ बनाते हैं दैट इज टी वन अच्छे से समझ टी टू एंड टी थ्री देर आर थ्री ट्रांजेक्शन दैट रीड जेड हियर रीड रीड बाय राइट जेड रीड बाय ठीक है रीड एक्स राइट एक्स कमिट राइट जेड Read X, write X, and rights, that है आपका टी थ्री रीड एक्सर दैट रीड राइट राइट एक्स फिर टी टू कमिट एंड थ्री कमिट अब देखिए इसमें चेक करते हैं हम क्या क्या है डिपेंडेंसी तो है ये रीड वाई है ये देखिए यहाँ तो पहले ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके बाद का देखें आप ये रीड वाई है लेकिन ये इनिशियल रीड कर रहा है कोई अपडेटेड वैल्यू नहीं ली तो इधर कोई समस्या नहीं है आपने फिर ये रीड एक्स है इसके पहले कहीं राइट एक्स नहीं हुआ तो कोई समस्या नहीं है रीड एक्स ये यहाँ से अपडेटेड वैल्यू रीड कर रहा है ठीक है फिर इसने रीड वाई किया किसी ने राइट किया क्या वाई को अरे इस रीड वाई टी वन के रीड वाई के पहले वाई को कोई राइट कर रहा है टी टू कर रहा है ना राइट वाई ये हमने गलत लिख दी दैट इज रीड जेड रीड भाई एंड राइट वाई इज वाई सो ये अपडेटेड लेगा ये भी अपडेटेड ही ले रहा है आपका ठीक है दैट इज राइट और रीड फिर यहाँ पे राइट रीड भाई हुआ तो ये भी यहाँ से जाएगी इसकी वैल्यू इधर जाएगी राइट के बाद रीड क्योंकि कोई और तो राइट कर ही नहीं रहा है वाई पे फिर अब हाँ फिर आपने यहाँ पे राइट एक्स रीड एक्स लिखा ठीक है दैट अगेन ये राइट एक्स देखिए ये राइट जेड कर रहा है के बाद किसी ने जेड को रीड नहीं ये रीड हुआ इसके बाद कोई रीड ही नहीं है हमने तीनों रीड वो समझ लिया है यहां पर ठीक है सो देखिए आपका टीवन रीड एक्स कर रहा है जो देखिए टीवन जो रीड एक्स कर रहा है आप कहां पे कर रहा है टीवन अब इसके पहले कोई ने राइट नहीं किया ना एक्सप्लेन नहीं किया ठीक है सही लिखा है हमने अब आप देखिए ये रीड और ये राइट ठीक है अब डेफिनेटली इस पॉइंट पे अगर टी फेल हो गया अगर आपका टी फेल हो गया तो T3 को भी रोल बैक करना पड़ेगा कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें यह देखना है कि T3 T2 पे डिपेंडेंट है तो T3 का कमिट T2 के बाद होना चाहिए तो देखिए T2 पहले कमिट हो रहा है T3 बाद में हो रहा है तो रिकवरेबल तो है अभी हम सिर्फ रिकवरेबिलिटी चेक कर रहे हैं रिकवरेबल है क्योंकि T3 बाद में कमिट हो रहा है T2 पहले कमिट हो रहा है तो अगर आप यहां तक भी कहीं फेल होता है T2 तो आप T3 को आसानी से रोल बैक कर पाएंगे दूसरा T2 और T1 दोनों में तो ये तो अपडेटेड डेटा ही रीड कर रहा है आपका डेटा ही कौन सा रीड किया इसने अपडेटेड तो अगर ये अपडेटेड डेटा ही रीड कर रहा है आपका यहाँ से राइट और यहाँ रीड हो रहा है तो अगर ये अपडेटेड डेटा रीड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे भी क्योंकि अगर अपडेटेड रीड किया तो ये अगर फेल भी होगा तो पहले ही फेल हो जाएगा इसके रीड होने के और बाद में होता है तो कोई समस्या ही नहीं हमें तो ये भी करेक्ट है रिकवरेबल भी है क्या भी है फिर इसके अलावा कहीं है? आपकी कंडीशन बन रही है एस टी टू और टी वन में तो इसने यहाँ पे रीड किया देखिए T1 पहले कमिट हो चुका अभी ये यहाँ आगे इसका कोई कमिट ऑपरेशन नहीं लिखा है हमने लेकिन T2 टू ऑलरेडी कमिट हो चुका है तो T1 अगर मान लीजिए इन आइटम्स के बाद कहीं कमिट होता है यहाँ पे मान लीजिए अगला कमिट इसका यहाँ क्योंकि एक से ज्यादा कमिट हो सकते हैं अगला कमिट यहाँ लिखा मैंने तो हमने क्या बोल रहा है कि अगर ये आपका पहले ही कमिट हो गया और इसके कमिट के बाद अगर ये फेल हो गया आपका टी वन कमिट के बाद फेल हो गया तो टीवन को रोल बैक कर देंगे आप लेकिन टी टू को नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वो ऑलरेडी कमिटेड है और वो आपका दैट इज द अपडेटेड वैल्यू ठीक है से इसने इसकी वैल्यू रीड की ठीक है और मान लीजिए इसका कमिट मैंने यहाँ लिख दिया अगला कमिट यहाँ लिख दिया देखिए यहाँ पे समझते टी वन रीड कर रहा है टी टू से तो टी टू अगर फेल होता है ठीक है तो टी टू को आप रोल बैक करोगे इसके कमिट के पहले और ये अगर मान लीजिए यही कमिट हो गया आपका ठीक है इसके पहले ही कमिट हो गया तो आप उसको रोल बैक नहीं कर पाएंगे T1 को सो so, अभी T1 का कमिट नहीं लिखा है हमें इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिकवरेबल होगा नहीं होगा लेकिन दोनों कंडीशन दोनों चांस बन रहे रिकवरेबल नहीं भी हो सकता है दैट्स वाई उस वे में हम वही सोल्यूशन लेंगे कि इट इज नॉट रिकवरेबल वॉट इट लाइक दैट इज द क्वेश्चन कंसिडर अ शेड्यूल एक शेड्यूल दिया है आपको ठीक है ऑफ ट्रांजेक्शन फोर ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं शेड्यूल में और आपसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ठीक है इन दिस शेड्यूल आपको बताना है कि सीरियलाइजेबल है रिकवरेबल नहीं है नॉट सीरियलाइजेबल रिकवरेबल बोथ एंड रिकवरेबल क्या ट्रू होगा आपका क्या कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो देखिए T1 वन ट्रांजेक्शन आपका आप पहले तो कन्फ्लिक सीरियलाइजेबल के लिए देख ले कहीं साइकिल तो नहीं बन रही है आपकी टीवन रीड कर रहा है देखिए चार ट्रांजेक्शन है हम बना देते हैं डायरेक्टली अगर दिख रही होगी तो देख लेंगे हम ट्रांजेक्शन तो लिख दिया रीड राइट ठीक है फिर राइट एक्स के बाद इधर रीड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है टी टू से टी वन रीड राइट गया आपका ठीक है टी वन से टी टू नहीं जाएगा टी थ्री से टी टू जाएगा टी टू से टी थ्री भी जाएगा देखिए टी थ्री से टी टू नहीं टी थ्री से टी वन एंड टी टू से टी थ्री भी जा रहा है आपका ठीक है दैट इज टी टू टी थ्री दैट इज ऑल्सो डिजाइन हियर टी टू से टी थ्री भी गया आपका गॉट इट सो इन दिस केस हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं दैट इज दिस ठीक है ये आपका टी टू से टी थ्री बन गया अब अगर हम यहाँ पे देखें दैट इज द राइट वाय ठीक है ये राइट right एक्स से आपका इधर रीड हो रहा है राइट right के बाद रीड यानी थ्री से फोर भी जाएगा आपका ठीक है अब हम कन्फ्लिक्टिंग देखें तो थ्री टू से थ्री गया लेकिन थ्री से टू कोई एज नहीं है ठीक है दैट इज नॉट कन्फ्लिक्टिंग टू से वन गया लेकिन वन से टू नहीं है ठीक है आपका फोर के बाद तो कहीं एज जाएगी नहीं आपकी टू से फोर यस yes, बन रहा है राइट वाई रीड वाई तो फोर से टू से फोर भी बन रहा है लेकिन देखिए कहीं भी साइकिल नहीं बन रही है आपकी देर इज़ नॉट एनी साइकिल दैट मीन्स इट इज़ कन्फ्लिक्सलाइजेबल तो है ये अब रिकवरेबल है या नहीं तो रिकवरेबिलिटी के लिए हम क्या बोलेंगे कि कौन सा पहले कमिट कर रहा है आपका विच ट्रांजेक्शन देखिए डिपेंडेंसी ये रीड के बाद यहाँ राइट हुआ देखिए रीड के बाद राइट नहीं देखना राइट के बाद रीड ये राइट एक्स हुआ आपका और ये राइट एक्स हुआ तो बाद वाला राइट ये यानी कि इसकी अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे जा रही है आप फोर वन पे डिपेंडेंट है ठीक है इसने रीड किया जेड लेकिन जेड पहले कहीं राइट नहीं हुआ आपने इसने रीड किया वाई और ये राइट हो के बाद वाई यहाँ पे हो रहा है यानी फोर जो है वो टू और वन दोनों पे डिपेंडेंट है आपका फोर टू और वन दोनों पे डिपेंडेंट है इसका मतलब आपका यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर का कमिट वन और टू दोनों के बाद होना चाहिए तो वन और टू पहले ही कमिट हो गए उसके बाद फोर हो रहा है यानी रिकवरेबल 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 भी तो भी तो एंड एंड ठीक है है शेड्यूल जो डिपेंडेंट वो बाद में होना चाहिए आपका ठीक है दैट शुड बी डन आफ्टर दैट ठीक है तो जो भी डिपेंडेंट है वो बाद में होगा तभी आप वहां पर परफॉर्म कर पाएंगे क्लियर है दैट इज द केस इस तरीके से हमें चेक करना है इसको इन दिस केस अगर हम यहां पर देखें नेक्स्ट वन कंसीडर द फॉलोइंग डेटाबेस शेड्यूल विद टू ट्रांजेक्शन दो ट्रांजेक्शन है आपका एक शेड्यूल दिया है वेर रीड जेड डिनोट द रीड ऑपरेशन बाय टी ऑन आइटम जेड एंड राइट डिनोट द राइट ऑपरेशन ठीक है एंड दिस आपसे पूछा है कि रिकवरेबल है कैसकेडिंग एबॉर्ड है कौन सा ट्रू होगा आपका रिकवरेबल बट नॉट कैसकेडिंग एबॉर्ड स्ट्रिक्ट दो ट्रांजेक्शन है टी वन टी टू. टी वन पहले क्या कर रहा है रीड एक्स पहले आपका टी टू रीडेक्स कर रहा है ये फर्स्ट रीडेक्स यहाँ पे हुआ फिर इधर रीड हो रहा है फिर यहाँ रीड बाय हुआ आपका फिर इधर राइट एक्स हुआ फिर आपका यहीं पे रीड बाय हुआ आपका फिर इसने राइट एक्स लिखा फिर ए का अबाउट दैट इज द ट्रांजेक्शन ए अबाउट हो रहा है आपका क्लियर है दैट इज द अबाउट वन और फिर ए टू अबाउट हुआ आपका तो दैट इज द केस तो देखिए सबसे पहले तो हम यहां पे बोल रहे डिपेंडेंसी देखें ये रीड ये रीड ठीक है अगर हम देखें तो कोई अपडेटेड वैल्यू रीड कर रहा है क्या यहां पे ये पहला राइट हुआ इसके बाद किसी ने एक्स को रीड नहीं किया वाई रीड हो रहा है लेकिन रीड के पहले कहीं राइट नहीं हो रहा है यानी कि किसी भी आइटम कोई भी अपडेटेड वैल्यू रीड नहीं कर रहा है ये सारी इनिशियल ही रीड है ये दोनों एक्स इनिशियल है ये दोनों वाई इनिशियल है राइट एक्स के बाद राइट एक्स किया आपने ठीक है सो so, अब देखिए अगर आपका कहीं पे डिपेंडेंसी नहीं है यानी कि रिकवरेबल तो है हंड्रेड परसेंट कोई भी फेल हो कोई भी नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सो ये फॉल्स हो गया डज नॉट हैव कैसकेटिंग एबोर्ट तो देखिए शेड्यूल में कोई कैसकेटिंग एबोर्ट नहीं है क्योंकि देखिए कैसकेटिंग एबोर्ड का मतलब ये होता है कि एक के फेल होने से सीरीज ऑफ को रोल बैक करना है तो ऐसा हो ही नहीं रहा है क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है सो ये हो सकता है ट्रू इज रिकवरेबल बट हैज़ कैसकेटिंग एबोर्ट तो गलत है कैसकेटिंग अबॉर्ड नहीं है आपकी इट इज स्ट्रिक्ट So, सो स्ट्रिक्ट भी नहीं है क्योंकि रीड के बाद आपका राइट मतलब राइट के बाद राइट भी नहीं होना चाहिए ठीक है सो दैट इज द कंडीशन क्लियर ओके सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन लाइक एंड कमेंट